चश्मा था गाड़ी में था। मम्मी को दे दो। स्टार्ट कर। जी सर, जी सर। आई वेलकम सीए हेमंत गुप्ता जी हु इज स्पीकर फॉर द डे टुडेज डेलिब्रेशन। आई आल्सो वेलकम सीए राजेश अग्रवाल जी एंड अदर ऑल अदर मेंबर्स कोलीग्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इट्स माय ड्यूटी टू गिव इंट्रोड्यूस अवर लर्नेड स्पीकर सीए हेमंत गुप्ता जी हु इज अ फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया and a law graduate from Delhi University. He has diverse experience, more than 18 years of post-qualification experience spread across various sectors and industries, including audits of public sector banks. He specializes in the field of audit, taxation, financial statements, debt resolutions, and he is also keen and have great interest in delivering lectures as a faculty members in relation to IVC subject matter. This is the brief profile of CA Hemant Gupta ji, and I welcome you, sir, for today's deliberation. Over to CA Hemant Gupta ji. Thank you, sir. Thank you for the introduction. Before I start, I just want to thank Pusa Road Study Circle for giving me this opportunity to interact with all the members of the study group. I want to thank Rajesh Agarwal ji, Rajesh Jain ji, I think he is not able to join right now, and Hemant Pawa ji, and all the office bearer of Pusa Road Study Circle for giving me this wonderful opportunity. So with the permission of all the office bearer, I am start my deliberation. Sir, I hope screen is visible to everybody now. Yes sir, visible. So, sir, बिफोर वी स्टार्ट विद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, हम थोड़ा सा ना एक बेस समझ लेते हैं, बेस स्टार्ट बनाते हैं अपना कि स्टैट्यूट होता क्या है. मतलब हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम में से कुछ काफी लोग लॉ ग्रेजुएट भी होंगे, बट स्टिल इन जनरल आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बेस. स्टैट्यूट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बट इन जनरल स्टैट्यूट क्या होता है, बेसिकली इट्स ए लॉ पास बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी. लेजिस्लेटिव बॉडी हम सब जानते हैं, पार्लियामेंट हो सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी हो सकती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकते हैं जो लॉ बनाते हैं with certain subject matters. अब nature of kind of Indian statutes या Indian law किस तरह के हो सकते हैं. एक तो हो गया सर statutory law, जो किसी authority ने बनाया, parliament ने, legislature ने या municipal corporation ने. एक सर non-statutory law भी होता है. अब non-statutory law क्या होता है, अगर आप किसी court में गए हैं, वहां पे कोई court का decision आया है, या that I'll cover later. non-statutory law में क्या होता है सर, personal law होते हैं इसके अंदर. जैसे आप सब जानते हैं हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, यहाँ तक कि कुछ ऐसी ट्राइब्स भी हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड हैं जो काफी दूर दराज के एरियाज में रहती हैं या रिमोट एरियाज में रहती है, जहां जहां पे उनके अपने खुद के लॉ हैं, लेकिन वो दुनिया से इतने कटे छटे हुए हैं कि उनके लॉ गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं और उनपे टू सर्टन एक्सटेंट हमारे एग्जिस्टिंग लॉ एप्लीकेबल नहीं होते. तो ये तो एग्जाम्पल हो गए नॉन स्टेटरी लॉ के. अब लॉ कोडिफाइड भी हो सकता है और अनकोडिफाइड भी हो सकता है. कोडिफाइड लॉ वो क्या होता है, जो रिटन लॉ है, जो किसी बुक की फॉर्म में है, जो किसी पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया है. अनकोडिफाइड लॉ क्या होता है, हालांकि ये भी कहीं लिखा हुआ होता है, बट होता क्या है, कोर्ट के डिसीजन होते हैं, कस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के बेसिस पे लॉ बन जाता है. तो ये किसी पार्लियामेंट ने या किसी लेजिस्लेटिव बॉडी ने स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बनाया, ये डिपेंडिंग ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द सिचुएशन बिफोर देम जो कोर्ट्स होते हैं वो बनाते हैं, इसको हम अनकोडिफाइड लॉ बोलते हैं. देन आगे हम चलें तो स्टेट मेड लॉ भी होता है और स्टेट रिकॉग्नाइज्ड लॉ भी होता है. अब स्टेट मेड लॉ तो बड़ा सिंपल है कि जो स्टेट ने लॉ बना दिया वो स्टेट मेड लॉ है, बट स्टेट रिकॉग्नाइज्ड लॉ क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कोई स्टेट के पास लॉ बनाने का उतना बड़ा एपरेटस नहीं होता या उतना टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि किसी दूसरी स्टेट से वो लॉ को एज इट इज इम्पोर्ट कर लेते हैं. जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे बार बार याद आता है मकोका का, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, दिस इज इट्स फुल फॉर्म. सो मकोका क्या, कई स्टेट्स क्या करती है, मकोका को इंपोर्ट कर लेती है अपनी स्टेट में अगर उनकी स्टेट में ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा होता है. तो वो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ सेपरेट लॉ फॉर देयर स्टेट, वो स्टेट वो किसी और स्टेट के लॉ को रिकोगनाइज कर लेती है और जिसको वो थोड़ा बहुत अडेप्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं.
जरूरी नहीं है कि एज इट इज लेके आए, तो वो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड लॉ हो गया। अब इंटरप्रिटेशन को पढ़ने से पहले अगर हम देखें, दो वर्ड यूज होते हैं सर इसके अंदर, एक होता है इंटरप्रिटेशन और एक होता है कंस्ट्रक्शन। तो ये इन दोनों के जो डिफरेंस है, ये मैं बड़ा ना एकेडमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूंगा, हालांकि प्रैक्टिकल पैरेलेंस में हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो कुछ जूरिस्ट हुए हैं जो काफी फेमस है लॉ के फील्ड में, जैसे एक जूरिस्ट है मिस्टर सेलमन, वो इंटरप्रिटेशन को क्या बोलते हैं, ही सेज दैट इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक्स टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटेटिव फॉर्म इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड। तो अथॉरिटेटिव फॉर्म हमारे रूल्स रेगुलेशन एक्ट ये सब हो गए। Another jurist Cross, he says, interpretation is the process by which court determines the meaning of statutory provision for the purpose of applying it to the situation before them. तो आपके court के सामने जो भी कोई case आता है, वो अपने लोग facts लेके आते हैं, वो law को पढ़ते हैं और उस law को उस situation में कैसे लगाना है और किस बात का क्या मतलब निकालना है, उसको interpretation बोला गया है। अब एक और jurist हैं जो interpretation और construction में थोड़ी सी bifurcation बताते हैं। Again, Cooley says, interpretation differs from construction. The former is art of finding out the true sense of any form of words, that is the sense in which their author intended to convey. Ab construction ke liye wo bolte hain, construction on the other hand is drawing of conclusion. So ek taraf to aap written word ka matlab nikal rahe hain sirf, dusri taraf construction mein kya aap conclusion nikal rahe hain. The conclusion need not be actually written there. To yahan pe bada maheen sa difference hai dono ke andar. Construction on the other hand is drawing of conclusion of respective subject that lie beyond the direct expression of text from the element from and given in the text. Conclusion which are in spirit though not within the letter of law. तो आप कई बार जैसे हम बात करते हैं कि law to be followed in letter and spirit, तो construction कहीं ना कहीं spirit की बात करता है। तो इनका अगर हम थोड़ा सा difference, मैंने comparative बनाने की भी कोशिश की है। इंटरप्रिटेशन में अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड द ट्रू सेंस ऑफ द लीगल टेक्स्ट, व्हेयरएज इन कंस्ट्रक्शन ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन ऑफ लीगल टेक्स्ट दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ लीगल टेक्स्ट। सो यू जस्ट ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन इन व्हाइल डूइंग कंस्ट्रक्शन। अगेन इंटरप्रिटेशन टेक्स द प्लेस व्हेन द मीनिंग ऑफ लीगल टेक्स्ट इज क्लियर। अगर आपके सामने जो भी वर्ड लिखे हुए हैं उनका मीनिंग क्लियर है, तो आपको बस उस सिचुएशन के हिसाब से इंटरप्रेट करना है। कंस्ट्रक्शन हम तब बोलते हैं जब हम मीनिंग क्लियर और अनएम्बिगुअस है और उसमें कुछ चैलेंजेस हैं हमें उसको मीनिंग को अडॉप्ट करने में, तो हमें कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। अगेन इंटरप्रिटेशन में सिंपल एंड रियल मीनिंग ऑफ लीगल टेक्स्ट देखा जाता है, वेयर एज इन कंस्ट्रक्शन में यूज ऑफ लिटरल मीनिंग ऑफ लीगल टेक्स्ट व्हेनेवर देयर इज एन एम्बिग्युटी कंस्ट्रक्शन हेल्प्स टू फाइंड आउट इफ द केस कैन बी कवर्ड अंडर इट और नॉट। ओके, सो Moving further, so अब हम देखते हैं interpretation of statute हमें help कहाँ पे करती है और किस situation में हम जैसे इसको apply करते हैं। एक case था भाटिया international का, उसमें बड़ा crux में एक line है which says that if the provision is open to more than one interpretation, the court has to choose that interpretation which represents the true intention of the legislature. So अगर आप एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, आपको दो रास्ते नहीं दिख रहे, तो आपको कोई बहुत ज्यादा उसमें इंटरप्रिटेशन अप्लाई नहीं करनी। यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग बिहाइंड इट, फाइंड आउट द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, वो सब हमें नहीं करना। हमें प्लेन उसी रास्ते पे चलते जाना है, जहां पे कंफ्यूजन है, जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल रही है हमें, तभी हमें इंटरप्रिटेशन की तरफ जाना है। अब इंटरप्रिटेशन में एक मेरे को एक बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल लगता है कि इंटरप्रिटेशन की हेल्प से हम लगभग 150 साल पुराना लॉ यूज कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम सबको पता है 1872 में बना था। उस टाइम पे ना तो कंप्यूटर था, ना ईमेल था और व्हाट्सएप भी नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन सिटिंग इन 2021 हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन इंटरप्रेट कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे ईमेल पे हुए होंगे या वेब पे हुए होंगे या इवन फॉर दैट मैटर कई केसेस में तो व्हाट्सएप पे जो कम्युनिकेशन हुई है उसमें भी ऑफर एक्सेप्टेंस और इन सब के ऊपर कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी है। तो इस एग्जाम्पल को बोलने का मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि लॉ चाहे पुराना हो, लेकिन अगर हम उसकी स्पिरिट को सही तरह से इंटरप्रेट करें तो हमारे सामने सिचुएशन क्योंकि फ्लूइड हो सकती है, वो चेंज हो सकती है, बट इंटरप्रिटेशन की हेल्प से हम पुराने लॉ को भी अप्लाई कर सकते हैं
और सेंसिबल सॉल्यूशंस पे पहुंच सकते हैं। अब बिफोर मूविंग फर्दर एक छोटा सा पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट होता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है कि जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी एंड लेजिस्लेचर, इन तीनों के अपने अलग अलग एरिया हैं जिसमें वो काम करते हैं। जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर एंड ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नहीं ट्रैम्पल अपॉन कर सकती, ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर को नहीं क्रॉस कर सकती, एंड लेजिस्लेचर सिमिलरली जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई किसी तरह का उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट करने में रोक नहीं सकता उनको। लेकिन हम अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे यहाँ पे ना डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऑफिशियली कहीं पर रिकॉग्नाइज नहीं की गई। इट्स ओनली व्हेन यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन इन बिट्स एंड पीसेस यू विल रियलाइज दैट यस, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इवन दो नॉट एनुसिएटेड एनीवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट यस द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन when you read them in detail it comes out in detail that separation of power is there. So because of this separation of power the interpretation becomes even more important. Okay, so as I was discussing, we have three organs. Laws are made by legislature, they are implemented by bureaucracy, and they are interpreted by judiciary. So, इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे के एरिया के ऊपर ट्रैम्पल नहीं कर सकता, ट्रैम्पल अपॉन दे कैन नॉट डू इट। सो कोर्ट का काम इसमें क्या है कि दे हैव टू फाइंड द ट्रू इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। अब लॉ बन गया किसी 10 साल पहले, 1 साल पहले या 150 साल पहले, पर जो जजेस हैं वो आज की डेट में इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनको आज के सिनेरियो को लेके चलना है। वो ये नहीं कह सकते कि लॉ 100 साल पहले बना था तो उस टाइम के हिसाब से हम करेंगे इसको डिसाइड। तो जजेस का काम हो गया इसके अंदर लॉ की इंटेंट फाइंड आउट करना। तो वो हम इंटेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आगे देखते हैं इसके अंदर, अभी जब हम डिस्कशन करेंगे। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसा मैंने कहा कि जजेस भी जो होते हैं वो लॉ बनाते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो लॉ मेड बाय जजेस एंड लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उन दोनों को हम इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों फर्क है उन दोनों में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी कैपेबिलिटीज में फर्क है, उनके पास अवेलेबल अपरेटस और अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। और जिस सोच से वो लॉ बनाते हैं या लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको इंटरप्रेट करते हैं उसमें बहुत फर्क है। अब जब लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाते हैं, वो लेजिस्लेचर ये सोच के बनाते हैं कि आने वाले 25 साल में, 50 साल में हमारी डेमोग्राफी की क्या सिचुएशन होने वाली है, हमारे नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होने वाले हैं, या एज ऑफ नाउ सोसाइटी में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो काफी टाइम से चल रही है, उसको हम किस तरह का और कैसा लॉ बना के हम वो प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो लेजिस्लेचर बहुत ज्यादा रिसर्च करके लॉ बनाता है, बट जो कोर्ट होते हैं वो लॉ बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सामने जो सिचुएशन आती है उसको देखते हुए कि दो पार्टियां आई, उनका कोई डिस्प्यूट था, कोर्ट ने वो सेटल कर दिया। उस डिस्प्यूट में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है जो कि जनरल इंपॉर्टेंस का है तो कोर्ट उस पर अपने रिमार्क्स देता है, एंड अगर वो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है तो दैट इज एप्लीकेबल बाय वर्चू ऑफ आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस इंडिया इज द लॉ ऑफ द लैंड, अनलेस एंड अंटिल लेजिस्लेचर ने उसके कॉन्ट्रेरी कोई लॉ बनाया हुआ हो या बनाए फ्यूचर में। ओके, सो कोर्ट और लेजिस्लेचर में जब मैं अभी डिफरेंस की बात कर रहा था, वो कैसे लॉ बनाते हैं और क्या फर्क है और कोर्ट को लेजिस्लेशन क्यों नहीं करना चाहिए, वो हम थोड़े से पॉइंट्स देखते हैं। क्या होता है कि कोर्ट के पास सबसे पहले तो मशीनरी नहीं है कि वास्ट अमाउंट लेवल के ऊपर वो कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर सके पूरे कंट्री के हिसाब से या फॉर दैट मैटर स्टेट के हिसाब से भी। अगेन कोर्ट के सामने जो रिसर्च आती है वो कोर्ट खुद नहीं करता, वो रिसर्च कौन करता है, उनके सामने जो दो एडवोकेट हैं। अब वो जो दो एडवोकेट हैं उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं अपनी अपनी पार्टीज को लेके, तो उनकी रिसर्च भी पार्शल होती है, वो एक जनरल पॉपुलेशन के लिए रिसर्च नहीं होती। थर्डली कोर्ट के पास कोई ऐसा मींस नहीं है कि वो सुपरवाइज कर सके कि ठीक है मैंने आज तो डिसीजन दे दिया, इस डिसीजन का सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब जो भी इम्पैक्ट आ रहा है दैट इज फॉर ब्यूरोक्रेसी एंड लेजिस्लेचर टू सी कि हम उसको क्या कर सकते हैं। अगेन मूविंग फर्दर, जैसा मैंने कहा कि कोर्ट के पास रिसर्च करने के भी मींस नहीं होते या लिमिटेड मींस होते हैं, बट वेयर एज लेजिस्लेचर के पास ये मींस एम्पल अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। जब भी कोई लॉ बनता है आप सब लोग जानते हैं कि कोई रिसर्च कमेटी बनती है, पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, शायद जेपीसीबीसी बनती हो, पार्लियामेंट में डिबेट्स होती हैं,
राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद हो सकता है एक हाउस से दूसरे हाउस में वापिस आए, अमेंडमेंट हो, बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है जब भी कोई लॉ बनता है। बट कोर्ट्स के पास ऐसी लेयर नहीं है कि वो इस तरह से कोई लॉ बना सके इतनी सारी रिसर्च और टाइम लेने के बाद। ओके, एंड सबसे बड़ी बात, कोर्ट का काम ये नहीं है ये बताना कि लॉ क्या होना चाहिए, कोर्ट का काम ये बताना है कि लॉ क्या है। तो कोर्ट अपनी विम्स एंड फैंसीज नहीं लेके आ सकता, अपना ओपिनियन नहीं लेके आ सकता कभी भी लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, और ना ही वो कोर्ट कभी भी स्टैट्यूट में कोई ऐसे वर्ड रीड कर सकता है जो ना हो। हालांकि मैं इस बात को थोड़ा आगे जाके बदलूंगा भी इस बात को, बट अगेन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है और कौन से हम रूल्स लगा रहे हैं इंटरप्रिटेशन के, सिचुएशन के हिसाब से उस पर डिपेंड करता है। एंड लास्टली, अगर आप देखो कोर्ट जब भी कोई डिसीजन देता है, कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि वो लॉ को वो चेंज कर दे उसको, अनलेस एंड अंटिल उसको कोई अप्रोच करे कोर्ट को, या कोई किसी और के फैक्ट्स थोड़े डिफरेंट हो, या उस फैसले से किसी को इश्यूज आ रहे हो। बट लेजिस्लेशन के पास हमेशा ये पावर रहती है कि अगर वो लॉ लेके आए हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं उसकी, और उसमें अगर उनको कोई चेंज लग रहा है तो उसको वो हमेशा रोल बैक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और सिचुएशन के हिसाब से टाइम टू टाइम अमेंड कर सकते हैं। सो इन सब रीजंस की वजह से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ लेजिस्लेटेड बाय लेजिस्लेचर एंड लॉ प्रोपाउंडेड बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। ओके, अब मैं एक काम करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एग्जांपल भी लेता रहूंगा कि जो हम बात कर रहे हैं और जो प्रोविजन ऑफ इंटरप्रिटेशन या कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको एग्जांपल से साथ हम लिंक कर सकें। अब जैसे एक केस था पी रामचंद्र राव का, इसमें सबसे बड़ी क्या बात बोली हुई, जुडिशरी का जो पावर है या ड्यूटी है, दैट इज टू एक्सपाउंड द लॉ, नॉट टू लेजिस्लेट। अब इस केस में क्या हुआ, देयर इज अ आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें बोलता है कि आपको फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी हर इंडिविजुअल को अलाउड है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोर्ट के सामने कुछ केसेस आए, उसमें क्या हुआ कि स्पीडी ट्रायल को लेके बात उठी कि देयर आर सर्टन और नंबर ऑफ पीपल वर लैंग्विशिंग इन जेल्स क्योंकि उनको टाइमली ट्रायल नहीं मिल रहा। और ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जिस केस में आपको लेट से अगर सजा भी हो जाए तो 6 महीने की है, लेकिन ट्रायल वेट करते करते आपको 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया। तो कोर्ट ने बोला नथिंग डूइंग, हम एक टेबल बनाते हैं कि 6 महीने से ज्यादा कौन जेल में है, 1 साल से 2 साल कितने के लिए है, 2 साल से 3 साल में कौन कितने पीरियड के लिए है, किस नेचर का क्राइम किया है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कुछ पैरामीटर सेट किए और उन्होंने बोला कि जो जो इन पैरामीटर्स में आते हैं आप उन सबको रिलीज कर दीजिए। अगेन ये केस बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो वहां पे यही फैसला आया कि आप जो कर रहे हैं बीइंग ए कोर्ट, आप एक ऐसा लॉ बना रहे हैं जो कि पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, किसी लेजिस्लेचर ने, लेजिस्लेटिव बॉडी ने नहीं बनाया। हो सकता है लेजिस्लेटिव बॉडीज के अपने इश्यूज हों, उनके पास मैन पावर ना हो, उनके पास रिसोर्सेज ना हो कि स्पीडी ट्रायल कर सके, लेकिन उनको छोड़ने का हक, चाहे वो लॉ गलत ही क्यों नहीं है, आपको उनको छोड़ने का हक नहीं है। आप कोई ऐसी चीज नहीं बना सकते, ऐसे रूल्स लेट डाउन नहीं कर सकते कि जिसमें आप कोई लॉ बना देने हैं। तो ये बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट का फैसला था कि स्पीडी ट्रायल आपने देना है, और अगर स्पीडी ट्रायल नहीं दिया तो यू विल हैव टू रिलीज दोज पर्सन हु आर बीइंग चार्ज फॉर इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अगेन ये तो हो गया लेजिस्लेचर और जुडिशरी की आपस में तनातनी की बात। अब एक जुडिशरी और हम ब्यूरोक्रेसी की भी बात करते हैं। एक केस में क्या हुआ कि एक माली को अपॉइंट किया गया, लेकिन उससे काम लिया गया ट्रैक्टर ड्राइवर का। इस केस का नाम है डीएम अरावली गोल्फ कोर्स। अब हुआ क्या कि ट्रैक्टर ड्राइवर की कोई पोस्ट नहीं थी उनके पास, हालांकि काम ट्रैक्टर ड्राइवर का लिया जा रहा था। जब ट्रैक्टर ड्राइवर की पोस्ट नहीं थी तो नेचुरली उनको बहाल नहीं किया गया ट्रैक्टर ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर। तो हाईकोर्ट ने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप ट्रैक्टर ड्राइवर की पोस्ट क्रिएट कर दीजिए, आपने हायर तो किया ही हुआ इसको, अब ट्रैक्टर ड्राइवर की पोस्ट नहीं है, माली का काम आप करा नहीं रहे इससे, और ट्रैक्टर ड्राइवर की आप पोस्ट क्रिएट कीजिए और इनको बहाल कर दीजिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। सुनने में बात भी ठीक लगती है, बट अगेन फिर इस बात पे भी झगड़ा बड़ा, बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी कि उन्हें कौन सी जॉब क्रिएट करनी है, कब करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है। कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आप ये टाइप की जॉब क्रिएट कीजिए। आप अगर वो ऐसा बोलते हैं आप किसी को कि आप ये जॉब क्रिएट कीजिए, तो बेसिकली आप ब्यूरोक्रेसी के फंक्शनल एरिया में स्टेप इन कर रहे हैं, जो कि आपको अलाउड ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बोला देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर
which is even though not enshrined in our constitution but still widely recognized. तो सेपरेशन ऑफ पावर की रिस्पेक्ट करनी है हमें, हमें ब्यूरोक्रेसी के रोल में स्टेप इन नहीं करना. तो अगेन वो जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको भी रिवर्स कर दिया गया. सो बेसिकली जो ये प्रिंसिपल है कि जुडिशरी इज टू एक्सपाउंड द लॉ नॉट टू लेजिस्लेट, इट बेसिकली मीन्स यू कैन नॉट रीड समथिंग इन टू लॉ विच इज नॉट देयर. ओके, सो दैट विल एक्चुअली अमाउंट टू मेकिंग डूइंग लेजिस्लेशन और मेकिंग एनी लॉ. Now going further, अब एक बड़ा important concept है इसके अंदर, interpretation of statutes के अंदर, that statute must be read as a whole. See, the intention of legislature has to be found by reading the statute as a whole. आप कोई एक section को read नहीं कर सकते ignoring की और कौन सा section में क्या बात कर रहा है. आगे हम एक case discuss करेंगे जिस case में बिल्कुल उल्टा decision आया था इसके अंदर, और ऐसा हो सकता है. अब हम ये नहीं बोल सकते कि इंटरप्रिटेशन के प्रोविजन गलत लगा दिए गए, बट यस हम एक करेंगे डिस्कस जिसमें स्टेट्यूट मस्ट बी रेड एज ए होल. माइनॉरिटी जज की जजमेंट थी बट मेजोरिटी जज डिड नॉट एग्री विद इट, दे वेंट बाय सम अदर प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन. ओके, सो एज आई सेड इंडिविजुअल सेक्शन मस्ट बी कंस्ट्रूड इन द लाइट ऑफ होल एक्ट एंड मस्ट बी कंपेयर्ड विद अदर पार्ट्स. अगेन व्हाटएवर वर्ड्स आर यूज्ड they take their color from the context in which they are used. So context is also important. आप plainly word को भी नहीं लेके चल सकते कि word का तो ये मतलब हम वैसे ही चलेंगे. The same word may mean one thing in one context, but altogether different meaning in another context. Therefore, the same word used in different section of a statute, or even when used at a different places in the same clause or section of the statute, may bear different meaning. So context also has to be taken into account while reading the statute as a whole. ओके सर, ये तो अभी तक हमने एक जनरल ग्राउंड रूल और जनरल बेस वर्क हमने तैयार किया इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करने के लिए. अब अगर मैं शॉर्ट में आपसे बात करूं तो इंटरप्रिटेशन के कितने रूल्स होते हैं. बेसिकली सबसे पहले तो प्राइमरी रूल आता है इंटरप्रिटेशन के लिए. प्राइमरी रूल को दो चीजों में आप बांट सकते हो, लिटरल कंस्ट्रक्शन एंड गोल्डन रूल. देन देयर इज अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू पीनल एंड टैक्स स्टैट्यूट, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. आई थिंक ये हम सब लोगों ने सीए के एग्जाम में मे बी फाइनल में पढ़ा हुआ है. मुझे तो बार बार रह के सिर्फ यही याद आता है सीए के फाइनल में हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का. देन देर इज अ मिस्चीफ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन. गोइंग फर्दर वी विल डिस्कस परपोसिव कंस्ट्रक्शन एंड एट द एंड वी विल डिस्कस फ्यू टर्म्स विच आर ऑल्सो यू कैन से रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, एडजुस्टम जनरिस एंड नोसिटियरस सोर्सेस. एडजुस्टम जनरिस हम सब लोग काफी बार यूज करते हैं, नोसिटियरस सोर्सेस शायद कम बारी यूज करते हैं, बट स्टिल हम थोड़ा सा इसको भी देखेंगे. लास्टली देयर इज वन फ्रेज इन लैटिन व्हिच सेज उट रस मैजिस वैलिएट क्वैम पिरेट, इट बेसिकली मींस बेटर टू प्रिवेल देन टू पेरिश. सो हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे गोइंग फर्दर. सो हम प्राइमरी रूल से स्टार्ट करते हैं. सर अगर मैं ज्यादा तेज जा रहा हूँ तो प्लीज आप मुझे इंटरप्ट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा. नहीं बिल्कुल ठीक है भाई साहब. ठीक है सर, ठीक है, वेरी गुड. तो हम प्राइमरी रूल से स्टार्ट करते हैं सर. प्राइमरी रूल में अगेन दो रूल आते हैं, लिटरल रूल एंड गोल्डन रूल. सो लिटरल रूल का मतलब ही लिटरल रूल है कि जो जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे ही लेना है. हमने अपना इसमें कोई दिमाग नहीं चलाना, हमें कोई इसमें अपनी कलाकारी नहीं दिखानी. अगर मैं थोड़े लाइट शब्दों में बोलूं तो बेसिकली इट सेज ऑर्डिनरी नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड हैज टू बी टेकन. अगर किसी वर्ड का मीनिंग पॉपुलर सेंस में है तो हमें पॉपुलर सेंस के साथ जाना है, हम उसको बहुत ज्यादा टेक्निकल बोटैनिकल ऐसे मीनिंग में नहीं जाएंगे. हम अभी एक दो एग्जांपल भी देखेंगे इसके, विच आर एक्चुअली केस लॉस. अगेन प्लेन मीनिंग हैज टू बी कंसीडर्ड एंड कॉमन पैरेलल मीनिंग हैज टू बी कंसीडर्ड. बट लेकिन अब गोल्डन रूल क्या होता है, अब सुनने में ऐसा लगता है कि गोल्डन रूल पहले लगाना चाहिए, लिटरल रूल बाद में लगाना चाहिए, क्योंकि गोल्डन है तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है उसकी. बट गोल्डन रूल क्या है, बेसिकली लिटरल रूल की थोड़ी सी डाइवर्जेंस है. कई बार ऐसा होता है कि हम लिटरल रूल फॉलो करते करते ना बिल्कुल अब्सर्ड सिचुएशन में पहुंच जाते हैं. इसके ऊपर भी हम एक केस का छोटा सा डिस्कस करेंगे. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जजेस को लीवे दिया जाता है कि अगर अब्सर्डिटी आ रही है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है किसी भी रिजल्ट को निकाल के लाने में, तो उस केस में आप गोल्डन रूल अप्लाई कीजिए वेयर इन यू आर अलाउड टू डिपार्ट फ्रॉम लिटरल रूल. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम कभी भी इंटरप्रेट करें किसी भी सिचुएशन में, हमें सबसे पहले
लिटल रूल लगाना है, हमें कभी भी परपोसिव में, हारमोनियस में, उन सब में नहीं जाना. लिटल रूल इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल. सो लिटल रूल क्या होता है, वर्ड्स एंड द लैंग्वेज यूज इन द स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड लिटरली एंड विदाउट एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग एनीथिंग इनटू इट. वर्ड्स यूज बाय द लेजिस्लेचर मस्ट बी कंस्ट्रूड इन द लाइट ऑफ देयर ऑर्डिनरी नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग. ओके, द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट मे बी सपोज टू हैव बीन इंटेंडेड बट व्हाट एक्चुअली इज रिटन. कई बार होता है ना, हम बजट की स्पीच होती है, आप सब लोग रिलेट करेंगे, बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं तो हमें एक समझ आता है कि ये इन्होंने बेनिफिट दिया तो उसका ये मतलब है. लेकिन जब वो बजट छप के आता है अगले दिन हमारे पास, उसका कुछ और ही मतलब निकल रहा होता है. तो जिसको हम इंसेंटिव मान रहे होते हैं वो पता चलता है वो तो पेनल्टी लग रही है हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर, मैडम ने या सर ने वेल ऑफ द हाउस में तो कुछ और बोला था, लिखा कुछ और हुआ, तो जो बोला था उसको मानिए. तो जो लिखा हुआ वही माना जाएगा अनलेस एंड अंटिल कुछ अब्सर्डिटी हो उसके अंदर. Then true intention of the legislature can be safely derived by applying the this rule. हमें क्योंकि देखिए legislature की intention पकड़ के चलना है हमको, और legislature की intention कैसे पता चलेगी. अब legislature में suppose 500 550 member हैं आपके parliament में, state assembly में भी different number of member है. जब भी कोई law pass होता है हम कहते हैं कि बीजेपी ने बनाया, कांग्रेस ने, या कोई भी ruling party उसने बनाया. But actual में सर वो जो law होता है वो parliament ने बनाया होता है, वहां पे voting होती है, वहां पे हर मेंबर ने जो भी बोला होता है उस बिल को लेके उसको या तो एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, वो दैट्स अ सेपरेट मैटर. बट दैट बिल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ दोस 500 और 400 और व्हाटएवर नंबर ऑफ मेंबर आर देयर, देयर कलेक्टिव विल इज रिप्रेजेंटेड. अब उसमें से बोलने का मौका भी 2 या 4 को मिलता है, 10 को मिलता होगा, तो हम उन 10 लोगों के बोले हुए के अनुसार हम बिल को या उस लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर सकते. जो एक्चुअल में लिखा गया लॉ में उसी को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो इसलिए रिटन वर्ड्स की अहमियत है. डिस्कशन में क्या हुआ उसकी अहमियत नहीं है, हालांकि थोड़ी बहुत अहमियत हम उसकी भी रखेंगे, लेकिन एंड में डिस्कस करेंगे उस बात को. ओके, सो अगेन दिस वी हैव डिस्कस नेचुरल ग्रामेटिकल मीनिंग, पॉपुलर सेंस मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग, टू बी प्रेफर्ड ओवर लूज मीनिंग, एंड यस इफ देर आर एनी टेक्निकल वर्ड्स, सो उसको हमें टेक्निकल सेंस में लेना है. हमें कॉमन पैरलेंस मीनिंग को तो कॉमन पैरलेंस में लेना है, टेक्निकल वर्ड्स को हम कॉमन पैरलेंस के मीनिंग में नहीं लेंगे, उनको हम टेक्निकलिटीज के साथ ही लेके चलना पड़ेगा हमें. ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा उसको रिकैप्चुलेट भी हो जाएगा, और एक बार सुप्रीम कोर्ट के लेट डाउन प्रिंसिपल भी डिस्कस कर लेते हैं. इट बेसिकली स्टेट्स दैट इफ देयर इज नथिंग टू मॉडिफाई, ऑल्टर और क्वालिफाई द लैंग्वेज विच द स्टैट्यूट कंटेन्स, it must be construed in the ordinary and natural meaning of the word and sentence. Object of all interpretation is to discover the intention of the legislature, but intention has to be deducted from the language used. Okay, jo abhi humne discuss kiya. The duty of the court is to expound the law as it is. A judge is not competent to modify the language of an act in order to bring it in accordance with his own views, as and when is right and reasonable. Lastly, court should not add words by taking the plea that legislature omitted in the act. ठीक है, हम अपनी तरफ से जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, कोर्ट को सप्लीमेंट नहीं करेंगे. लेकिन मैं ये चीज, ये सारे प्रिंसिपल बोलने के साथ ना मैं एक चीज और बोलूंगा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है दिस इज हाईली सब्जेक्टिव. अभी हम आगे कई चीजें डिस्कस करेंगे जिसमें आप शायद मुझे ये पॉइंट आउट करें, हेमंत तुमने तो पहले बोला था ये ऐसे होना चाहिए लेकिन यहाँ तो डिफरेंट हो रहा है. बिल्कुल होगा सर, क्योंकि सब्जेक्टिव है. कई बार कोर्ट जो डिसीजन लेते हैं वो मेजोरिटी से लेते हैं, मेजोरिटी में जो डिसीजन आता है उसको सबको मानना पड़ता है. जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये साइंस या मैथमेटिक नहीं है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये बिल्कुल एक सब्जेक्टिव मैटर है. तो डाइवर्जेंस होगी, आपकी और मेरी इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस हो सकता है, आपके और मेरे कंसेप्ट में डिफरेंस हो सकता है कि कौन सा प्रिंसिपल लगेगा. तो वो आप एक चीज माइंड में लेके चलिएगा कि साइंस की तरह हमें नहीं लेना, इट्स मोर ऑफ ए आर्ट. ओके, मूविंग फर्दर, अब एक केस लेते हैं इसके ऊपर, इंटरप्रिटेशन के ऊपर, प्राइमरी रूल के इंटरप्रिटेशन के ऊपर. अब इसमें क्या हुआ सर, पार्लियामेंट में एक सज्जन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने वेल ऑफ द पार्लियामेंट में एक किसी मेंबर के खिलाफ, एंड उनके कोई एक धर्म गुरु थे या रिलीजियस फिगर थे या एक सेक्ट के लीडर थे, उनके खिलाफ कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोल दी. अब
जिनके खिलाफ बोली स्टेटमेंट, उनके वो सब फॉलोअर्स थे जो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, वो चले गए कोर्ट की सर ये ऐसे ऐसे गलत बोला, आप इनको फाइन कीजिए या एक्शन लीजिए। कोर्ट ने भी डिक्री दे दी कि आप 26,000 रुपये का जुर्माना दीजिए और सॉरी बोलिए, जो भी उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर किया। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 2, विच कन्फर्स इम्यूनिटी इंटर एलिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट। ये मैंने पूरा आर्टिकल नहीं लिखा, क्रक्स में ये आर्टिकल ये है कि अगर आप पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में आप कुछ भी बोल रहे हैं तो आपको फुल इम्यूनिटी है। रीजन इसका ये है कि आप बिना किसी डर के आप अपनी बात पार्लियामेंट में रख सकें, आप ये ना सोचें कि कल को मेरे ऊपर कोई एक्शन हो सकता है या मेरे अगेंस्ट कोई नेगेटिव बात हो सकती है, तो ये इम्यूनिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिली हुई है। अब लेकिन आर्ग्यूमेंट ये हुआ कि सर ठीक है, मान ली हमने बात कि पार्लियामेंट में आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी का मतलब वर्ड लिखा हुआ था यहाँ पे एनीथिंग, और जो झगड़ा हो रहा था एनीथिंग के ऊपर हो रहा था, तो एनीथिंग का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को अपशब्द भी कह सकते हैं या किसी की राजनीतिक सॉरी धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं। तो ये सोचते हुए लोअर कोर्ट ने तो बोला हाँ भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एनीथिंग का मतलब यहाँ तो उन्होंने ये रूल लगा दिया कि ये तो अब्सर्ड मीनिंग निकल रहा है एनीथिंग का मतलब। बट जब ये हायर कोर्ट में गया मामला तो उन्होंने बोला एनीथिंग का मतलब एनीथिंग है, ओनली कंडीशन हियर इज कि आपने जो भी बोला वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट बोला कि नहीं बोला। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट तो इनफोर्स नहीं है, आप पार्लियामेंट में किसी वजह से गए हैं और वेल ऑफ द हाउस में खड़े होकर आपने बोल दिया और आप कह रहे हैं कि मैं इम्यून हूँ। हाँ, लेकिन प्रोसीडिंग में आपने एनीथिंग बोला तो आप एनीथिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि एनीथिंग के बदले में आप इसको रीड डाउन कर लीजिए, रेड अप कर लीजिए, जो भी आपको सूट करे। तो ये बोलते हुए कोर्ट ने बोला ठीक है इन्होंने गलत बोला, हो सकता है मोरली इनको नहीं बोलना चाहिए था, बट एज पर लॉ ये इम्यून है कुछ भी बोलने से, और उनकी जो भी उनको फाइन या जो भी उनके अगेंस्ट एक्शन हुआ था उसको रोल बैक कर दिया गया। तो यहाँ पे लिटरल रूल लगाया गया और कोई रूल की हमने बात नहीं करी इसके अंदर। ओके, अब इसके अंदर एक और केस लेते हैं हम। इसके अंदर इस केस में क्या हुआ था बेसिकली कि गवर्नमेंट हाउस थे, यहाँ पे गवर्नमेंट हाउस में अकोमोडेशन दी गई थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अब उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि जिस भी एम्प्लॉय के पास अपनी लोकल अकोमोडेशन उस स्टेट में है, आपको अपनी अकोमोडेशन आप ले लो, उसमें चले जाओ, हमारी अकोमोडेशन वापस कर दो, हमें शॉर्टेज है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला जैसे कि हमारी जो रेंटेड प्रीमिसेस है उसका क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने बोला आपको रेंट कंट्रोल एक्ट या जो भी आपको टेनेंट से खाली करवाने के लिए फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप इस लॉ के बेसिस के ऊपर जाके अपनी रेंटेड अकोमोडेशन खाली करवा सकते हैं। अभी इस केस में क्या हुआ, एक भाई साहब के टेनेंट थे वो खाली नहीं कर रहे थे, उन्होंने फिर इस लॉ का सहारा लिया। अब हुआ क्या है, जब तक इस लॉ का सहारा लेते लेते बात आगे कोर्ट तक गई या कोर्ट केस डाला उन्होंने, तब तक वो रिटायर हो गए। अब दूसरी पार्टी ने बोला अब तो आप रिटायर हो गए, अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नहीं, ये लॉ अब आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो आप मुझे इस लॉ के सहारे इसके आप मुझे इमीडिएट मकान से नहीं निकाल सकते, आप नॉर्मल लॉ का रिकोर्स लीजिए, उसमें जो टाइम लगेगा वो आपको बियर करना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जो सेक्शन था वो बेसिकली उसकी मैं थोड़ी सी लाइन बोलूंगा, where a landlord who being a person in occupation of any residential premises allotted to him by the government, ये लाइन लिखी हुई थी उसके अंदर। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली, कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे यह क्यों नहीं लिखा हुआ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। कोर्ट ने एग्जाम्पल और बहुत अच्छा दिया, बोला जो स्टेट्स होती हैं वो अकोमोडेशन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं देती, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी देती हैं, वो स्टेट गेस्ट को भी देती हैं, ब्यूरोक्रेट्स को भी देती हैं, या फिर किसी और कंट्री के जो काउंसलेट्स होते हैं उनके मेंबर होते हैं, एम्बेसीज के मेंबर होते हैं, उनको देती हैं, स्टेट गेस्ट्स हो सकते हैं जो आपके साथ कुछ काम करने आए हों उनको देती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो रूल आया सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आया। तो सिंपली इसमें सिंपल उन्होंने ये बोला कि लैंडलॉर्ड हो आप और आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के पोजेशन में हो, तो आपका राइट है कि आपका अगर उसी स्टेट में मकान है तो आप इस लॉ का सहारा लेते हुए वो मकान खाली करा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली दिस केस वॉज डिस्पोज ऑफ। ओके, अब थोड़ा सा और एक एग्जांपल जो मैं आपको कह रहा था कि लिटरल मीनिंग में कैसे चलना है, कॉमन पैरेलल्स मीनिंग में हमें क्या लेने हैं वर्ड। अब इसमें क्या हुआ है, एक केस में हम सबको पता है सेल टैक्स में जीएसटी में भी अपना एक शेड्यूल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो बताते हैं कि इस शेड्यूल में ये रेट ऑफ टैक्स है, इस शेड्यूल में रेट ऑफ टैक्स है। तो तेंदू लीव्स के ऊपर एक किसी टाइम में टैक्स नहीं, बीटल लीव पर टैक्स नहीं हुआ करता था। अब उन
आइटम पे जो टैक्स नहीं होता था वो वाली एग्जेंप्शन या वो वाले शेड्यूल से उस आइटम को डिलीट कर दिया गया। अब अगेन जो भी एसएससी या डीलर थे उस आइटम में डील कर रहे थे, उन्होंने अगेन प्रॉब्ली दे मस्ट हैव कंसल्टेड सम ऑफ देयर कंसल्टेंट, मे बी सीए और एडवोकेट आल्सो। तो उन्होंने क्या बोला कि जो बीटल लीव्स हैं ये तो वेजिटेबल है और वेजिटेबल पे कोई टैक्स था नहीं, जबकि बीटल लीव को स्पेसिफिकली किसी एक एंट्री के हिसाब से एग्जेम्प्ट किया गया था और वो एंट्री डिलीट कर दी गई। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला ठीक है, बीटल लीव एक प्लांट है, प्लांट बेस्ड है, खाने में यूज होती है, बट कॉमन पैरलेंस में इसकी कोई सब्जी बना के नहीं खाता इसकी, इसको हम वेजिटेबल कोई नहीं बोलता कि मैं सब्जी खरीदने जा रहा हूँ और वो बीटल लीव्स लेके आ जाता है। ठीक है, इसका जो भी पर्पस है, एडिबल है, सब ठीक है, लेकिन कॉमन पैरलेंस में आप इसको वेजिटेबल नहीं बोल सकते। तो ये बोलते हुए उन्होंने इसको एग्जेम्पशन देने से मना कर दिया कि इस पर, उन्होंने बोला इस पर टैक्स लगेगा आपका। देन मूविंग फर्दर, सिमिलर केस में क्या हुआ, शुगर केन के ऊपर बात आई। अब अगेन शुगर केन में भी उन्होंने टैक्स लगता, पहले एग्जाम था, फिर एंट्री डिलीट करी, टैक्स लग गया उस पर। अब अगेन किसी ने दिमाग चलाया, दे सेड कि शुगर केन तो ग्रीन वेजिटेबल है। अब अगर आप में से कई लोग हो सकता है जानते हो कि शुगर केन, अगर हो सकता है मैं भी गलत ना हूं, तो शुगर केन इज बेसिकली ग्रास। तो उन्होंने ये बोला कि इसको ग्रीन वेजिटेबल की कैटेगरी में लेके जाओ आप, वहां पे अगेन कोई टैक्स नहीं है। कोर्ट ने फिर ये बोला वेजिटेबल इन टैक्सिंग स्टैट्यूट हैज टू बी अंडरस्टूड इन कॉमन पैरेलल्स डिनोटिंग क्लास ऑफ वेजिटेबल व्हिच आर ग्रोन इन ए किचन गार्डन और इन अ फार्म एंड आर यूज्ड फॉर द टेबल। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कभी शुगर केन की कोई सब्जी बना के नहीं खाते, हो सकता है कोई एग्जॉटिक सब्जी बनती हो, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट कोर्ट ने यही बोला कि कॉमन पैरेलल्स में इसको हम वेजिटेबल नहीं मान सकते। ओके, देन अगेन एक अगले केस में क्या हुआ, जिंजर के ऊपर बात आई। तो जिंजर की भी एंट्री डिलीट हुई, सेम सिमिलर लाइंस के ऊपर ये केस हैं सारे ऑलमोस्ट। उस केस में भी उसको ये बोला गया कि इसको वेजिटेबल मानिए क्योंकि वेजिटेबल पर टैक्स नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली और इनफैक्ट आई डू एग्री राइटली सो, जिंजर वॉज कंसिडर एज ए वेजिटेबल ओनली, क्योंकि उन्होंने बोला ठीक है, कोर्ट ने बोला इवन दो जिंजर हम ऐसा जिंजर की वेजिटेबल बना के नहीं खाते, बट जिंजर को हम अदर देन वेजिटेबल भी नहीं मानते, वेजिटेबल नॉर्मल कुकिंग में यूज होता है, हम इसको टेबल वेजिटेबल मानते हैं इसको, तो हम इसको वेजिटेबल की कैटेगरी में अगर क्लासीफाई कर रहे हैं तो ये अगेन इसे कॉमनली अंडरस्टूड वर्ड, इवन दो बींग ए जिंजर ये अलग अलग दो कैटेगरी में पहले लाए कर रहे थे, बट स्टिल अगर एक कैटेगरी डिलीट भी हो गई है और सेकेंड कैटेगरी में कॉमन पैरेलल्स में आ रहे हैं तो इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। जिंजर को अगेन किचन गार्डन एंड यूज फॉर टेबल वेजिटेबल बोल के एक्सेप्ट किया गया एज ए वेजिटेबल। अब हम चलते हैं सर गोल्डन रूल के ऊपर। एज आई डिस्कस, गोल्डन रूल जो है मॉडिफिकेशन ऑफ लिटरल रूल है, जहां पे लिटरल रूल बिल्कुल कोई अब्सर्ड रिजल्ट देता है, जहां पे रियल इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर डिफीट हो रही है, तो आपको लेजिस्लेचर की इंटेंशन को अपहेल करने के लिए गोल्डन रूल अप्लाई करना है, जिसमें आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना अलाउड है। ओके, सो ग्रामेटिकल एंड ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड इज टू बी अडहियर टू अनलेस दैट वुड लीड टू सम अब्सर्डिटी और सम रेपुगेंस और इनकंसिस्टेंसी विद द रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो आपको थोड़ा सा लॉ में थोड़ा सा ट्वीकिंग करके आपको लॉ को भी बचाना है और अपने सामने जो सिचुएशन है उसको भी जस्टिस देना है। ओके, सो एक केस था, उसमें कोर्ट ने ये बोला करतार सिंह के केस में, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दे सेड नॉर्मली द प्लेन एंड ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ एनएक्टमेंट अफोर्ड्स द बेस्ट गाइड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग ए स्टैट्यूट इज टू बी असर्टेन विद द इज टू असर्टेन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर एनएक्टिंग इट, अदर मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मीनिंग कैन बी रिजॉर्टेड। ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोली है, other method of extracting the meaning can be resorted to if the language is contradictory, ambiguous or leads to absurdity or absurd result. अब मैं एक example बताता हूँ आपको जिसमें हमें golden rule लगा के आप भी कहेंगे कि ठीक हुआ, अगर literal rule लगाते तो ये बिल्कुल एक मजाकिया बात बन जाती इस केस में। इस केस में क्या हुआ, एक लॉ था, ये बड़ा पुराना एक इंग्लिश केस है, ली वर्सेस नैप। उस लॉ में क्या बोला गया कि अगर आपने सड़क पे ड्राइविंग करते हुए कुछ एक्सीडेंट कर दिया है या किसी की मे बी स्टेशनरी व्हीकल को चोट पहुंचा दिया आपने, तो आपको वहां पे स्टॉप होना है, आपको वेट करनी है किसी की और फिर आपने जाना है वहां से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भाई साहब ने किसी का एक एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट करने के लिए ही स्टॉप मे बी फॉर अ सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, देन ही मूव्ड,
जैसे तैसे उनको बाद में पकड़ा गया और जब उनसे पूछा गया कि आपने इस लॉ को फॉलो नहीं किया, आप पे क्यों ना फाइन या जो भी प्रोसिक्यूशन होनी है वो लगाई जाए, तो उन्होंने बोला नहीं सर, मैं तो रुका था, आपने लिखा हुआ स्टॉप और मैं स्टॉप हुआ, आपने लॉ में ये कहाँ लिखा हुआ कि मुझे एक मिनट के लिए होना है, एक घंटे के लिए होना है या एक दिन के लिए होना है, तो मैं तो निकल के चला गया, आप तो मुझे नहीं फाइन कर सकते। तो यहाँ पे कोर्ट ने थोड़ा सा ट्वीक किया और कोर्ट ने बोला ठीक है स्टॉप लिखा हुआ है, लेकिन लॉ बना एक पर्पस के लिए कि अगर किसी का नुकसान हुआ है या किसी का एक्सीडेंट हो गया जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता उस टाइम पे, तो आप रुकिए, उसकी हेल्प कीजिए या कोई आ जाए और आपके पर्टिकुलर्स और वेयर अबाउट्स ले ले, तब आप चले जाइए, लॉ का पर्पस ये है। लेकिन आप अगर उसको लिटरली फॉलो कर रहे हैं तो अब्सर्ड रिजल्ट आ रहे हैं, फिर तो कोई भी नहीं रुकेगा, स्टॉप तो मतलब एक सेकेंड भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला स्टॉप मीन्स रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम आपने रुकना है जब तक कोई आके आपके वेयर अबाउट्स या पर्टिकुलर्स ना ले ले। तो यहाँ पे इन्होंने फिर कोर्ट ने गोल्डन रूल अप्लाई किया। सो मूविंग फर्दर, अब हम आते हैं सर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन पे। अब ये स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का ना सुनने में ऐसा लगता है, एटलीस्ट मुझे तो लगता था जब मैं पढ़ रहा था, कि ये हम लोगों के लिए, मतलब नॉट फॉर गवर्नमेंट या अथॉरिटीज, एज ए जो सब्जेक्ट है उनके लिए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, उनको लिए नुकसानदायक है ये, बट एक्चुअली ये फेवर में है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। जहाँ पे भी सर पीनल प्रोविजन होते हैं, चाहे इनकम टैक्स के हों, चाहे किसी में भी जैसे नार्कोटिक्स में हो गए, आईपीसी में हो गए, जहाँ पे भी पीनल प्रोविजन है, जहाँ पे कुछ भी इंटरप्रिटेशन से इधर या उधर होने से जो भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं ऑफ दैट स्टेट और ऑफ दैट कंट्री, उनको काफ़ी लॉस उठाना पड़ सकता है, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे उनको जेल जाना पड़े या एडमोनिशमेंट हो, किसी भी तरह का लॉस हो, तो उस केस में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लगेगी। लेकिन उनके अगेंस्ट नहीं लगेगी ये स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, लगेगी स्टेट के अगेंस्ट। ठीक है, तो जब भी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का बेसिक मतलब क्या है कि लॉ में जो लिखा हुआ है हमें उसी के हिसाब से चलना है। हमें अगर बेनिफिट ऑफ डाउट वाली कोई सिचुएशन आती है तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा उस एसएससी को, उस डीलर को, उस इंडिविजुअल को देना है। हम वो ये नहीं कह सकते कि चलो कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट हो गया, ये आपने ऑलमोस्ट रेड लाइट जंप कर लिया तो फाइन दे ही दो, या आपने ऑलमोस्ट मे बी, लेट्स से मैं जैसे कई बार एग्जांपल यूज करता हूँ, जैसे नार्कोटिक्स में एक होता है इंटेंट टू डील और एक होता है इंटेंट टू कंज्यूम, उसमें कुछ ग्रामेज का फर्क होता है कि लेट्स से आई थिंक आपके पास अगर 2 ग्राम से नीचे कोई ऐसा सब्सटेंस है तो आपको जो पनिशमेंट है वो काफ़ी कम है, तो लॉ शायद मानता है कि आप एक सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे थे, लेकिन अगर उस ग्रामेज से ज़्यादा है तो वो ये मानता है लॉ कि ये आप बेचने के लिए कर रहे थे। तो लेट से मैं, मुझे नहीं पता 2 ग्राम है या 10 ग्राम है, लेट से वो 10 ग्राम है, तो मेरे पास अगर 9.9999 ग्राम है तो लॉ मुझे ये नहीं कह सकता उस केस में कि भैया ऑलमोस्ट 10 हो गया तो अब तो हम तुम्हें हायर वाली सजा देंगे, लोअर वाली नहीं देंगे। और सिमिलरली अगर 10.0001 है तो मैं भी ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे तो आप लोअर वाली दो, इतने से क्या फर्क पड़ता है। तो जब भी ये पीनल प्रोविजन है हमें बिल्कुल उसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना, बेनिफिट ऑफ डाउट जहां आता है वो जरूर देना है इंडिविजुअल को। सो अब मैं थोड़ी सी लाइंस यूज करूंगा इसके लिए। द पीनल स्टैट्यूट डिफाइंस एंड क्रिएट्स एन ऑफेंस एंड इम्पोजेस पेनल्टी ऑफ फाइन और इम्प्रिजनमेंट बिकॉज सच स्टैट्यूट इम्पोजेस क्रिमिनल लाइबिलिटी अपॉन द ऑफेंडर, दे आर स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स। द पावर टू प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट इज वेस्टेड विद द लेजिस्लेचर एंड नॉट द कोर्ट। If in construing a penal provision there appears to be reasonable doubt or ambiguity, it will be resolved in favor of the person who would be liable to that penalty. So, आप हम सब लोगों ने एक phrase सुना होगा, beyond reasonable doubt, especially in case of a criminal cases जहाँ पे life या life imprisonment या death situation होती है, तो वहाँ पे beyond reasonable doubt कोई भी offence prove करना होता है। तो again that is also a strict interpretation. ओके, तो एक ज्यूरिस्ट हुए हैं मैक्सवेल, उन्होंने बोला है कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में क्या 4 चीजें होती हैं जिससे हमें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन जब लगानी हो या सोचना हो उसके बारे में। वो बोलते हैं स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन 4 वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्रेस लैंग्वेज फॉर क्रिएशन ऑफ ऑफेंस, दैट मीन्स कोई भी लॉ हो उसमें लिखा होना चाहिए ये ऑफेंस है, आप उसको एज्यूम नहीं कर सकते कि ये तो होगा ये ऑफेंस। इन इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स strictly setting out the element of offense, तो आपको ऑफेंस के एलिमेंट भी बताने पड़ेंगे। अब जैसे चोरी होती है, चोरी में एक
बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसमें जो गुड्स है ना, पहली बात तो मूवेबल आइटम की चोरी हो सकती है, इमूवेबल की नहीं हो सकती। तो जो मूवेबल आइटम है ना वो अपनी जगह से हिली होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कह सकते कि ठीक है ये वहीं पड़ी हुई है जहाँ पर पड़ी थी लेकिन फिर भी चोरी हो गई। अगर आपने सपोज किसी के घर से कोई सामान उठा के उसी के घर में दूसरी जगह भी रख दिया, देन ऑल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ थेफ्ट। तो ये एलिमेंट उस लॉ में लिखा हुआ है, ये मैं किसी ज्यूरिसप्रूडेंस के हिसाब से नहीं बोल रहा, ये लॉ में लिखा हुआ है कि मूवमेंट होनी चाहिए। तो दैट इज सेटिंग आउट द एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस। इन रिक्वायर देन मूविंग फर्दर, इन रिक्वायरिंग फुलफिलमेंट टू द लेटर ऑफ स्टैट्यूटरी कंडीशन। स्टैट्यूटरी कंडीशन अगर किसी तरह की लगी हुई है, हम आगे डिस्कस करेंगे केस लॉ छोटा सा, तो हमें वो स्टैट्यूटरी कंडीशन भी फुलफिल करनी है। हम ये नहीं कह सकते कि चोरी तो है लेकिन चलो वो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो छोड़ दो कोई बात नहीं। इसके लिए ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल, इवन तो प्रेजेंटेशन में नहीं है, मैं समझाने के लिए बोलता हूँ। एक बार ही एक बैंक में कैशियर ने चोरी की, ऑलमोस्ट सबको पता था ये हुई है चोरी और सच में हुई है, बट उसमें एक प्रोसीजर पार्ट भी था उसके अंदर। उसमें ये बोला गया था कि जब वो चोरी हुई तो वो जो कैशियर का बॉक्स है वो उठा के एक बड़े बॉक्स में रखा जाएगा और दो विटनेस उस बड़े बॉक्स को लेके मैनेजर साहब या जो भी सीनियर है उनके रूम में जाके लॉक कर देंगे और फिर बाद में कोई आके चेक करेगा उसमें कितना कैश है नहीं है, जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब उन लोगों ने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी, बस वो जो बॉक्स को लेके जाना था एक बड़े बॉक्स में सील बंद करके दो विटनेस के साथ, वो ले जाने की बजाय वो ऐसे ही ले गए उसको। तो इस प्रोसीजर लैप्स की वजह से जो सबको पता था कि चोरी हुई है और कैशियर को भी पता था मैंने करी है चोरी, उसको छोड़ दिया गया क्योंकि ये प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया। जो कि ये फोर्थ पॉइंट है, इंसिस्टिंग ऑन स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ टेक्निकल प्रोविजन अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर एंड जुरिसडिक्शन। सो प्रोसीजर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप सब लोग जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ में सिर्फ प्रोसीजर लैप्सेस की वजह से ही कि चार्जशीट ठीक से नहीं बनी, ठीक टाइम पे रिकॉर्ड नहीं हुई, विटनेस दो चाहिए थे एक थे, या पंचनामा में कुछ कमी रह गई, कितने लोग एक्विट हो जाते हैं। अगेन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, जैसा मैंने कहा टैक्सिंग प्रोविजन स्टैट्यूट में भी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन चलती है। इसमें क्या बोलते हैं बेसिकली, टैक्स नॉट प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी इम्पोज बाय द कोर्ट बाय इंटरप्रेटिंग द लॉ इन अ वेग मैनर। हर्षद मेहता का केस था, उस केस में कोर्ट ने बोला देर आर थ्री स्टेजेस इन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। सबसे पहले तो डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी कि भाई साहब ये हेमंत गुप्ता या ये क्लास ऑफ पर्सन पे ये टैक्स लगेगा, या इस प्रॉपर्टी को इतना हाउस टैक्स देना है या इतने मंजिल वाली प्रॉपर्टी को देना है। फिर उसके बाद वो टैक्स की असेसमेंट कैसे होगी, टैक्स तो लगेगा पर कितना लगेगा, इनकम टैक्स में स्लैब्स हैं आपने उसको क्वान्टिफाई किया हुआ है, कौन पर्सन कितना देगा, वो क्वान्टिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। देन मेथड ऑफ रिकवरी भी होना चाहिए, आपने टैक्स भी लगा दिया बता भी दिया कि लगेगा लेकिन अगर मैं नहीं देता तो आप क्या कर लोगे, आप मुझे जेल में डालोगे, आप मुझे मे बी कोई नोटिस भेजोगे, आप मुझे फाइन लगाओगे, बैंक अकाउंट सीज करोगे, ये सब कुछ लॉ में लिखा होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है जेल में डाल देंगे लेकिन चलो हम जेल में नहीं डाल रहे आप फाइन दे दो छोड़ देते हैं। फाइन ऑल्सो शुड ऑल्सो बी मैंशन इन दैट स्टेट्यूटरी प्रोविजन। सो अगेन कोर्ट मस्ट इंटरप्रेट द स्टेट्यूट एज इट स्टैंड्स एंड इन केस ऑफ अ डाउट इन अ मैनर मोस्ट फेवरेबल टू द एसएससी। शायद आई डोंट नो मे बी हम सब की एक्सपीरियंस शायद डिफरेंट है एट लोअर लेवल ऑफ दीज असेसमेंट एंड एवरीथिंग, बट येस अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे तो बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स यू ऑलवेज गेट अ लॉट ऑफ रिलीफ्स। ओके तो अच्छा अब स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में क्या हुआ, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये भी एक इंग्लिश केस है। इस केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने बोला, एक लॉ था जिसमें बोला गया कि अगर आपने कोई भी ऑफेंस एनी ऑफेंस जो आपने दो बारी किया हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। तो एक भाई साहब को पकड़ा गया, उनको बोला कि आपने ऑफेंस किया और उनके ऑफेंस थे कोई 30-40 ऑफेंस थे उनके, मतलब लॉ आने से पहले कह लीजिए या बाद में भी कह लीजिए। उन्होंने बेसिकली क्या बोला, उन्होंने बोला एनी ऑफेंस कमिटेड ट्वाइस। तो बोला एनी लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लगाओ, और ट्वाइस मतलब अगर मैंने रेड लाइट जंप करी है तो जब दो बारी रेड लाइट में जंप करूंगा तो ही आप मुझे कुछ कह सकते हो, मैंने रेड लाइट तो एक ही बारी जंप करी है, इनफैक्ट मेरे जितने भी ऑफेंस है वो सारे एक बार ही है। तो ऐसा बोलते हुए जो लोअर कोर्ट ने तो बोला हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है और पीनल प्रोविजन है सब कुछ ठीक है, हम आपकी फेवर में बोलते हैं, आप जाइए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
लेकिन थोड़ी सी बेटर सेंस प्रिवेल हुई, हायर कोर्ट ने बोला स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन तो ठीक है लेकिन अब्सर्डिटी भी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा कि नहीं कह सकते कि कोई पर्सन 50 ऑफेंस कर लेगा लेकिन 50 ऑफेंस डिफरेंट काइंड के होंगे तो आप उसको फिर भी गाड़ी चलाने देंगे या फिर भी उसकी रजिस्ट्रेशन को वैलिड रखेंगे। तो ये बोलते हुए यहाँ पे कोर्ट ने एनी को थोड़ा सा रेड डाउन डील किया और बोला एनी ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस विच मे बी और डिफरेंट काइंड ऑल्सो नॉट नीड नॉट बी सेम ऑफेंस ट्वाइस। अच्छा अब एक और एग्जाम्पल, ये थोड़ा हो सकता है आपको आप लोगों को भी अच्छा लगे वाला एग्जाम्पल। एक बार क्या हुआ, एक म्युनिसिपैलिटी ने या एक स्टेट ने बोला कि हम बाइसाइकिल पे टैक्स लगाएंगे, मोटरसाइकिल पे टैक्स लगाएंगे एंड हम कार पे टैक्स लगाएंगे। अगेन डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक साइकिल होती है, रिक्शा होता है, उसके नीचे एक स्कूटर की मोटर या वो इंजन फिट कर देते हैं और वो चल पड़ता है। अब टेक्निकली वो ना तो साइकिल है ना मोटरसाइकिल है क्योंकि वो वैसा व्हीकल रिकॉग्नाइज नहीं है लॉ में कहीं पे। अब सिमिलर इस केस में क्या हुआ कि एक भाई साहब ने एक मोटर ली अपनी साइकिल में फिक्स करी और उसको बाइसाइकिल उसको मोटरसाइकिल की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब वो जो मोटरसाइकिल थी वो शाम को घर आते थे मोटर उतार के रख देते थे, डिटैचेबल थी। स्टेट ने बोला कि भाई साहब आप इसमें मोटरसाइकिल का टैक्स दो। ही सेड कि मैं टैक्स नहीं दूंगा इसके ऊपर क्योंकि ये व्हीकल, ये तो बताया नहीं आपने कि इस व्हीकल पर भी टैक्स है। तो कोर्ट ने बोला साइकिल है साथ में मोटर है तो आप टैक्स दो। कोर्ट पर जब बात पहुंची तो कोर्ट ने स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हुए बोला कि आपको सोचना चाहिए था लॉ बनाते हुए, इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टैट्यूट, वो चीजों को एनविजन करके देखें कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है फ्यूचर में। आपको लगा कि सिर्फ साइकिल मोटरसाइकिल और मोटर कार है, इस तरह के व्हीकल के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा। अब ये इस बंदे की इंजेन्यूटी है कि उसने कोई ऐसा व्हीकल बना लिया जिसको हम जुगाड़ कहते हैं यहाँ पे, तो अगर वो यूज कर रहा और आपने लॉ में लिखा ही नहीं हुआ उस तरह के व्हीकल के लिए, तो इस पर तो साइकिल का टैक्स भी नहीं लगेगा क्योंकि ना तो ये साइकिल है स्ट्रिक्ट सेंस में और ना मोटरसाइकिल है स्ट्रिक्ट सेंस में। तो उस केस में उस पर कोई टैक्स नहीं लिया गया उस पर्सन से। सर मेरी आवाज स्लो तो नहीं आ रही ना? ठीक है भाई साहब, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है। ठीक ठीक आ रही सर। अच्छा अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसके अंदर। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम सब समझते हैं कॉमन पैरेलल्स में क्या होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टेट ने टैक्स लगाया कि जब भी किसी स्टेट में कोई सामान आएगा और जाएगा हम उस पर टैक्स लेंगे। अब वो नेचुरली वो लोग थोड़े ज्यादा स्मार्ट थे या ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला कि जो व्हीकल किसी स्टेट से पास हो रहे थे उन्होंने बोला आप टैक्स दो, आप इम्पोर्ट हो रहे, इम्पोर्ट मीन्स कमिंग इन टू स्टेट एंड एक्सपोर्ट मीन गोइंग आउट द स्टेट, तो आप स्टेट में आ रहे हो और स्टेट से जा रहे हो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब ये बात कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने बोला एक तो पहली बात तो ये आपका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मैटर है, ये वाला पीनल प्रोविजंस हैं इसके अंदर। दूसरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को आपको लिटरली नहीं लेना। इंपोर्ट का मतलब आप ये नहीं ले सकते कि सिर्फ स्टेट में आ गया तो इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को आपको इस सेंस में देखना है कि ये जो सामान आ रहा है ये उस स्टेट में बिकने के लिए आ रहा है या उस स्टेट से सिर्फ पास हो रहा है। अगर सिर्फ वो पास हो रहा है तो टेक्निकली यू मे बी राइट कि इम्पोर्ट हो रहा है, बट आप उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सेंस में लेके टैक्स नहीं लगा सकते इन कंपेरिजन टू समबडी who is importing into the state for the purpose of selling or further manufacturing and then exporting out of the state. तो ये बोलते हुए कोर्ट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्टेट की डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। ओके देन एक एग्जाम्पल और है इसके अंदर। इस केस में क्या हुआ, एक लैंडलॉर्ड था और एक टेनेंट था। अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों एक्सपायर हो गए बट जो टेनेंट था उसने जो प्रॉपर्टी थी वो यूज करी कमर्शियल पर्पज के लिए विच वॉज नॉट अलाउड एज पर टेनेंसी एग्रीमेंट। अब अगेन दोनों के लीगल हेयर ने केस किया एक दूसरे पे या टेनेंट पे, लैंडलॉर्ड ने बोला, लैंडलॉर्ड के लीगल हेयर ने बोला कि लीगल हेयर ऑफ टेनेंट शुड वेकेट द प्रॉपर्टी क्योंकि ये मिसयूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने, हो सकता है यू गाइस माइट हैव अ डाइवर्जेंट व्यू ऑन दिस, कोर्ट ने ये बोला कि जो लॉ को तोड़ा या एग्रीमेंट को तोड़ा वो इनके प्रीडिसेसर ने तोड़ा, तो आप प्रीडिसेसर के एक्शन के लिए जो उनके लीगल हेयर हैं उन पे एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि लॉ ने ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो इस लॉ को इस एग्रीमेंट की ब्रीच करेगा, तो जो इनके लीगल हेयर हैं उन्होंने तो ब्रीच करी नहीं, तो आप उनको घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पीनल प्रोविजन है एक तरह से। अगर आप उनको घर से निकालेंगे ही और शी माइट नॉट बी हैविंग एनी प्लेस टू स्टे, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उस सेंस उस चीज को इंटरप्रेट स्ट्रिक्टली लेते हुए उन्होंने बोला आप यू कैन नॉट लाइक मेक प्रीडिसेसर गिल्टी फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय
their forefathers or their father. अब हम सर आते हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के ऊपर. अब हारमोनियस कंस्ट्रक्शन सर अगर हम देखें इसको थोड़ा सा बेसिकली, अगर मैं बिल्कुल ही कॉमन और प्लेन लैंग्वेज में बात करूं, जैसे कि मे भी घर में, सड़क में, बाहर, जैसे दो लोगों में कभी डिस्प्यूट हो जाता है, एक तीसरा बंदा आता है, वो क्या बोलता है, वो दोनों किसी को गलत नहीं बोलता, वो बोलता है हाँ सर आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो. वो थोड़ी सी बात इसकी मनवाता है, थोड़ी सी उसकी बात मनवाता है, और वो झगड़ा खत्म करवाने की कोशिश करता है. सो दैट दोनों को ये भी नहीं लगता कि हाँ भाई मेरे पे दूसरे वाला हावी हुआ है, और दोनों को ये भी लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल गया इस ट्रांजेक्शन के थ्रू या इस एपिसोड के बाद. तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन भी कुछ ऐसा है. हम अगर रिफाइंड वे में चलें इसको बात करने के लिए लेके चलें, तो लेजिस्लेचर नेवर इंटेंड्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ बट प्रोवाइडिंग टू रेपुगेंट प्रोविजन. ठीक है, हालांकि हो सकता है ऐसा, बट कभी इंटेंशन नहीं होती लेजिस्लेचर की हम कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन एक ही लॉ में बनाते हैं. When there are in an enactment two provisions which cannot be reconciled with each other, they should be so interpreted, if possible, which could give effect to both. To avoid a head-on conclusion between two sections of the same act, for avoiding interpretation which may render any one of them ineffective. तो हमें दोनों को proper respect देनी है, दोनों provision को. हाँ, इसमें जरूर हो सकता है कि किसी, हम सिचुएशन डिटरमाइन कर लें कि एक सिचुएशन में एक का पड़ला भारी हो, दूसरे में दूसरे का भारी हो, बट दोनों में किसी को हमने खाली हाथ नहीं भेजना, अगर मैं थोड़ा लाइटली बोलूं तो. दिस रूल इज बेस्ड ऑन जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन विच इज स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज ए होल. सो अगर हम इसको एज ए होल नहीं रीड करेंगे तो दैट मीन्स हम एक सेक्शन को छोड़ रहे हैं, एक को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. अब इसके लिए मैं थोड़े से एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल हैं. एक आर्टिकल है आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 क्लॉज बी विच सेज दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ फॉर प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. सो ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कैरेक्टर. तो कोई भी ऐसा मंदिर है, ऐसा प्लेस है, ऑफ वर्शिप है, वहां पे गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और वो बोल सकती है अंडर दिस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि आप यहाँ पे कोई भी हिंदू जाके वर्शिप कर सकता है. लेकिन इसके साथ में ही, इसके पड़ोस में ही एक और आर्टिकल, आर्टिकल 26, वो भी कुछ बोलता है. वो बोलता है आर्टिकल 26 प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ. रिलीजियस डिनोमिनेशन हो गया कि एक पर्टिकुलर धर्म या एक पर्टिकुलर सेक्ट को मानने वाले लोग, they shall have the right to manage its own affair in the matter of religion. अब आप इन दोनों आर्टिकल को थोड़ा सा अगर साइड बाय साइड रख के सोचें या पढ़ें इसको, एक तो बोलता है कि स्टेट हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को थ्रो ओपन कर सकते हैं फॉर द पब्लिक फॉर एनी हिंदू, एंड दूसरा बोलता है कि एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन उनको अपना राइट अपने प्लेस ऑफ वर्शिप मैनेज करने का. अब अगर सपोज मैं हिंदू, मैं दैट रिलीजियस डिनोमिनेशन हूँ और मेरे साथ में मेरे कोई दोस्त हैं जो उस डिनोमिनेशन उस मंदिर में आना चाहते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप में आना चाहते हैं, तो किसकी चलेगी? लॉ बना के गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये टेंपल है, इसमें कोई भी हिंदू जा सकता है. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये तो आपने आर्टिकल में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लॉ भी छोड़िए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, उससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता. तो यहाँ पे दोनों आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया. गवर्नमेंट ने बोला हम जो अपनी लॉ बना रहे हैं हम आर्टिकल 25 के अंदर बना रहे हैं, और वो आर्टिकल किसी भी आर्टिकल के सब जुडिस नहीं है या जूनियर नहीं है वो किसी भी आर्टिकल से. सिमिलरली आर्टिकल 26 में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये आर्टिकल किसी और आर्टिकल से ओहदे में या किसी भी तरह से रेंज में कम है ये. तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बेसिकली बोला आर्टिकल 26 बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, रिलीजियस डिनोमिनेशन का राइट है अपने प्लेस ऑफ रिलीजियस को चलाने का, they can manage the affair of their trust or institution or mandir temple everything, but government ko bhi adhikar hai law banane ka. ab yahan pe harmonious interpretation kaise lagayi, court ne bola ki jo bhi is mandir mein aana chahe wo ja sakta hai, pooja kar sakta hai, lekin wo ye nahi bol sakta ki main hindu hu to mujhe bhi aap iski management mein lo, ya aap agar aap bolte ho ki mandir subah 4 baje khulega, nahi ji aap 3 baje kholo, ya deities ko main nahi launga, ya main pooja karunga, main मैनेजमेंट में पार्ट लूंगा, तो आप ये नहीं कर सकते. वो राइट, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, वो उस डिनोमिनेशन का ही है, डिनोमिनेशन का है,
आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम दोज पीपल कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल एंड पेइंग योर रिस्पेक्ट टू द डाइटीज. तो ये इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने दोनों आर्टिकल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए हार्मोनियसली इंटरप्रेट किया. इवन दो आपको शायद लगे कि एक आर्टिकल हैज बीन रेड सब्जेक्ट टू अदर आर्टिकल, बट येस रादर देन मेकिंग वन आर्टिकल टोटली रेप्यूगेंट, इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव इफेक्ट टू बोथ ऑफ देम इवन दो विद अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. अच्छा, अब एक ये एग्जाम्पल लेते हैं. ये एग्जाम्पल आप सब लोग ने या मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन द मूवी रुस्तम. अब उसमें तो क्या हुआ, कोर्ट ने डिसीजन दिया और वो तो अपना चलते बने डिसीजन के बाद कि अब वो रिहा हो गए हैं. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हायर कोर्ट्स ने बोला कि नहीं, आपने जो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन लिया है ये बिल्कुल ही इमोशनल ग्राउंड या पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे डिसीजन ले लिया है, बिल्कुल गलत है. कोर्ट ने उनको सजा दर्ज कर दी कि आपने मर्डर किया है, यू आर गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, ये आपकी सजा है. अब नेचुरली उनके पास एक राइट था आगे जाने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का. अब सुप्रीम कोर्ट में एक आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 142. वो आर्टिकल 142 की कुछ कंडीशंस हैं. उस कंडीशन में से एक कंडीशन है कि अगर आप कोई पटिशन लगा रहे हो, कोई आप अपना बेल के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हो, तो यू मस्ट सरेंडर. अगर आप सरेंडर करोगे उसके बाद ही कोर्ट सुनेगा आपको. सरेंडर करने के बाद आपको कोर्ट बेल दे ना दे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट सरेंडर इज मस्ट. चलो वो भी वो कर देते, लेकिन सरेंडर होने से पहले क्या हुआ, जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे, दे यूज हिज पावर अंडर आर्टिकल 161, विच इज इक्वल टू पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72. वो बेसिकली क्या पावर होती है आर्टिकल गवर्नर और प्रेसिडेंट की, वो कोई भी सजा को कम्यूट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं या बिल्कुल माफ भी कर सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी सजा सस्पेंड कर दी. अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट की पावर ज्यादा बड़ी है या आर्टिकल 161 में गवर्नर की पावर ज्यादा बड़ी है, जबकि दोनों ही आर्टिकल एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलते. तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात के ऊपर एक ज्यादा नंबर ऑफ जजेस की बेंच थी, उन्होंने डिसीजन लिया, दे सेड कि जब भी आर्टिकल 142 ऑपरेशन में है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी ऐसा मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट की कंसिडरेशन के लिए है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आर्टिकल 161 और आर्टिकल 72 फॉर दैट मैटर, दे कैन नॉट बी प्रेस्ड इनटू सर्विस. एक बार ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन राइट या रॉन्ग या फेवर में या अगेंस्ट जैसा भी ले लिया, उसके बाद दैट मैटर इज नॉट नाउ बिफोर सुप्रीम कोर्ट. सो देन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट और फॉर दैट मैटर गवर्नर. सो उस केस में गवर्नर अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो यही बोलते हुए कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि आर्टिकल 161 इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 140 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 टिल द टाइम मैटर इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट. ओके, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पे कुछ एक दो छोटे छोटे और एग्जांपल लेते हैं जो आपस में एक दो रिलेटेड भी हैं. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में क्या होता है कि या तो देर इज अ सेटलमेंट बिटवीन टू पार्टीज, मैनेजमेंट एंड वर्कर, या फिर वहां पे डिस्प्यूट जाता है ट्रिब्यूनल के पास और वहां पे अवार्ड मिलता है. अवार्ड मिलने के बाद वो अवार्ड पब्लिश होता है, फिर वो अवार्ड इफेक्टिव हो जाता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. अब इस केस में क्या हुआ कि नेगोशिएशन फेल हो गई, मैटर गया ट्रिब्यूनल के पास, वहां पे अवार्ड मिला. अब अवार्ड पब्लिश होना था, विद इन 30 डेज पब्लिश करना होता वो अवार्ड. अब अवार्ड होने के बाद और पब्लिश होने के बाद, होने से पहले बीच में एक पीरियड था, उस पीरियड में क्या हुआ, सेटलमेंट हो गई वर्कर्स की एंड मैनेजमेंट की. अब वहां पे उन्होंने बोला कि सर आप हमारी बात मानिए, क्योंकि सेटलमेंट हुई है और सेटलमेंट क्योंकि म्यूचुअली हुई है तो इसकी ज्यादा वैल्यू है. अवार्ड तो आपने वन साइडेड दिया है या वन साइडेड नहीं भी है तो फिर भी कुछ डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है अवार्ड में, लेकिन सेटलमेंट में जो है वो तो स्पिरिट ऑफ इंडस्ट्रियल रिकंसिलिएशन है कि सेटलमेंट हुई है तो वो दोनों पार्टी अपहेल्ड करेंगी करेंगी. तो कोर्ट ने भी बोला हाँ ये बात तो ठीक है, स्पिरिट भी यही कहती है कि सेटलमेंट इज टू बी प्रेफर्ड ओवर एनी अवार्ड, लेकिन अब लॉ में लिखा हुआ था कि दिस हैज टू बी पब्लिश्ड एक बारी होने के बाद. तो कोर्ट ने अगेन हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन लगाते हुए और ये मानते हुए कि सेटलमेंट इन एनी डे इज बेटर देन एनी फोर्सफुल अवार्ड, कोर्ट ने बोला ठीक है लॉ में लिखा हुआ है कि आप इसको पब्लिश करेंगे और पब्लिश होने के बाद ये इफेक्टिव होगा, बट इन व्यू ऑफ दिस सेटलमेंट आप इस अवार्ड को आप पब्लिश मत कीजिए. सो ना तो ये पब्लिश होगा ना इम्प्लीमेंट होगा, तो उस केस में सिर्फ जो सेटलमेंट हुई है उसकी इफेक्टिवनेस आएगी.
तो ये बोलते हुए कोर्ट ने इन दोनों चीजों को हार्मोनियसली इंटरप्रेट किया और सेटलमेंट को ज्यादा तरजीह दी इन कंपैरिजन टू अवार्ड विच वॉज टू बी पब्लिश्ड। अब सिमिलरली इसी से मिलते जुलते केस में क्या हुआ कि एक अवार्ड पब्लिश होना था, इस केस में कोई सेटलमेंट नहीं हुई, लेकिन अब मजे की बात क्या हुई, अवार्ड 30 दिन के अंदर पब्लिश होना था, लॉ में लिखा हुआ आया था कि द गवर्नमेंट शैल पब्लिश अवार्ड इन 30 डेज। अब 30 दिन हुए नहीं, उन्होंने मे बी 31वें दिन 32वें दिन अवार्ड पब्लिश किया, तो उन्होंने जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टी थी उन्होंने बोला कि शैल पब्लिश लिखा हुआ है, शैल पब्लिश का मतलब तो 30 दिन में करना है, 30 दिन में नहीं किया तो आपके इस अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, अब सारा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करो। यहाँ पे कोर्ट ने शैल वर्ड को थोड़ा सा रेड डाउन रीड किया, कोर्ट ने ये बोला कि अवार्ड जब भी आया आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया है और 30 डेज का जो टाइम है इवन दो शैल वर्ड के साथ यूज किया गया है बट स्टिल शैल मैंडेटरी होने के बावजूद कोर्ट ने बोला ये रिकमेंडेटरी है यहाँ पे, सो दैट कि जो 30 डेज के टाइम पीरियड को आप सैक्रोसेंट ना मानो, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजन यहाँ पे 30 डेज में ये अवार्ड पब्लिश ना किया जा सके, कोई प्रेस में स्ट्राइक हो सकती है, कोई कंसर्न बंदा बीमार हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस बंद हो सकते हैं, लास्ट डेज में छुट्टियां आ सकती हैं, वो सब बोलते हुए कोर्ट ने बोला कि आप इस अवार्ड को पब्लिश कीजिए, रिकमेंडेटरी लिमिट है, शैल को हम स्ट्रिक्ट सेंस में यूज नहीं करेंगे, तो ये करके उन्होंने हार्मोनियसली उसको इंटरप्रेट किया। अब हम आते हैं सर मिसचीफ रूल के ऊपर। अब अगर हम मिसचीफ रूल देखें तो मिसचीफ रूल क्या है कहता है बेसिकली, इसके अंदर मैं एक छोटा सा एक पहले एग्जांपल ले लेता हूँ फिर इस रूल की बात करेंगे। एक एक्ट आया प्राइस कंपटीशन एक्ट ऑफ 1956। उस एक्ट में क्या हुआ कि अगर आप एक स्टेट में कोई भी गैम्बलिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं और तो उसको स्टेट जो है मॉनिटर कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, तो ऑब्जेक्टिव उसका क्या था, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइस कॉम्पिटिशन इन्वॉल्विंग गैम्बलिंग। अब इस पे क्या हुआ, प्राइस कंपटीशन इन्वॉल्विंग गैम्बलिंग में क्वेश्चन एक डिस्प्यूट आ गया कि जो प्राइस कंपटीशन जैसे हैं जो जिसमें स्किल इन्वॉल्व है, जैसे क्रॉसवर्ड पजल हैं, कोई फोटो पजल्स हैं, तो उसका क्या होगा, स्किल बेस्ड कंपटीशन वर्सेस चांस बेस्ड गैम्बलिंग। तो होता क्या था कि इस केस में जब ये लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी कि एक स्टेट में गैम्बलिंग होती थी, वहां की स्टेट एनफोर्स करती थी, वो गैम्बलर्स क्या करते थे, दूसरी स्टेट में चले जाते थे, स्टेट ने लॉ बनाया, उन्होंने कहा ठीक है हम दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, अब गैम्बलर का बेस दूसरी स्टेट में है पर गैम्बलिंग अभी भी उस स्टेट में हो रही है, मे बी बाय वर्चू ऑफ फोन और व्हाटएवर मींस ऑफ कम्युनिकेशन वो गैम्बलिंग हो रही है वहां पे, तो वहां पे जो स्टेट थी वो एनफोर्स नहीं कर पाती थी, तो स्टेट ने बोला आर्टिकल 252 में सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप सेंट्रल लॉ बनाइए सो दैट वो बाकी स्टेट में भी इम्प्लीमेंट हो सके। लेकिन वही गेहूं के साथ जैसे घुन पिसता, तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस कॉम्पिटिशन भी साथ में आ गए, तो यहाँ पे फिर एक मिसचीफ रूल को लगाया गया। इसके लिए एक बड़ा एक अच्छा इंग्लिश केस है हेडन्स केस, जहाँ पे ये रूल बनाया गया था या रूल पिक्चर में आया था। तो ये रूल बेसिकली बोलता क्या है, ये कहता है कि चार चीजें देखनी होती हैं हमें जब भी मिसचीफ रूल लगाते हैं। ओके, अब वो चार चीजें क्या है, वो कहता है कि सबसे पहले तो आप देखो व्हाट वाज द लॉ बिफोर द एक्ट वाज पास्ड, ठीक है, what was the mischief or defect for which the law did not provide and what is the remedy the act has provided for and what is the reason of remedy। to aap ye char cheezon ko dekh ke fir aap mischief rule lagao, to court ne fir karna kya hai, court ne karna hai ki court ne aisi interpretation ya construction deni hai jo mischief ko suppress karegi aur remedy ko advance karegi, theek hai। ab is case mein kya hua, is case mein bhi yahi hua ki mischief kya tha ki pehle jo law tha wo effective nahi tha, उन्होंने वो लॉ लेके आए, वो बोला जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, वो लॉ किसको एड्रेस करते थे, जो गैम्बलिंग एक्टिविटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेस शिफ्ट करके करते थे, तो उसमें उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि क्रॉसवर्ड पजल भी कोई गैम्बलिंग एक्टिविटी है, वो स्किल बेस्ड है, आप क्रॉसवर्ड सॉल्व करते हैं उसमें जो भी आपको प्राइज मिलता है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन को मिल जाता है। तो रेमेडी जो लॉ ने प्रोवाइड करी और रीजन फॉर रेमेडी, कोर्ट ने यही बोला कि हमें गैम्बलिंग को रोकना था ना कि स्किल बेस्ड कॉम्पिटिशन को, तो ये बोलते हुए इंटरप्रिटेशन ये निकालेगी कि स्किल बेस्ड कंपटीशन जो भी है उनके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा, सिर्फ चांस बेस्ड कंपटीशन के ऊपर लगेगा। ओके, अगर हम क्विकली इसकी लिमिटेशन और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखें, तो एडवांटेज में सबसे बड़ी एडवांटेज अब्सर्डिटी को अवॉइड करता है, डिसएडवांटेजेस में ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा लीवे मिलता है जुडिशरी को टू डिपार्ट फ्रॉम एक्चुअल लॉ, तो वहां पे सब्जेक्टिवनेस आ सकती है जुडिशरी के पास।
एंड देन लिमिटेशन में डायरेक्टली हम इस मिस्टीफ रूल को अप्रोच नहीं कर सकते, सबसे पहले लिटरल रूल लगाएंगे। अगर वहां पे हमें कोई अब्सर्डिटी मिल रही है तो उस केस में हम इस रूल की हेल्प ले सकते हैं। अब इसमें एक केस है बड़ा अच्छा, मोस्ट ऑफ यू आई कैन अज्यूम देयर विल बी डाइवर्जेंट व्यू एंड मे बी आप लोग शायद इससे एग्री ना करें इस केस में डिसीजन आया था, बट अगेन दिस इज अ वेरी ओल्ड केस। इस केस में क्या हुआ कि एक शोधा देवी का केस है, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी हो ये केस। इस केस में क्या हुआ, क्लबिंग के प्रोविजन थे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें क्या बोला गया कि इंडिविजुअल जिसकी वाइफ और माइनर चिल्ड्रन है वो अगर पार्टनरशिप में एंटर करता है तो वाइफ और माइनर चिल्ड्रन की जो इनकम है वो इंडिविजुअल की इनकम में जोड़ दी जाएगी। ये हमारे अभी रिसेंट के जो क्लबिंग प्रोविजन है उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज है उसके अंदर, तो ये थोड़ा डिफरेंट था बट स्टिल मोर लेस ऑन सेम लाइन। अब इस केस में क्या हुआ कि एक लेडी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, वो उन्होंने अपने माइनर चिल्ड्रन के साथ पार्टनरशिप एंटर करी। अब जब उनकी इनकम को असेस किया गया और बोला गया कि आपकी माइनर इनकम और माइनर चिल्ड्रन की इनकम को भी आपकी इनकम में असेस किया जाएगा, तो उन्होंने बोला आप तो बिल्कुल गलत कह रहे हो, लॉ में लिखा हुआ है इंडिविजुअल हैविंग वाइफ और माइनर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे इंडिविजुअल कौन है, इंडिविजुअल हूँ मैं, हु इज अ फीमेल। अब आप मुझे ये बताओ कि फीमेल की वाइफ कैसे हो सकती है, तो जब फीमेल की वाइफ नहीं हो सकती तो ये मेरे पे ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। बट रेवेन्यू ने बोला नहीं, इंडिविजुअल का मतलब मेल भी होता है फीमेल भी होता है, बट उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो इस यहाँ जो आपने लॉ में लिखा हुआ है उसका तो यही मतलब निकल के आ रहा, इंडिविजुअल हु हैज ए वाइफ। आप लोग इससे डिसएग्री करेंगे, मैं खुद इससे पर्सनली डिसएग्री करता हूँ, बट इस कोर्ट इसका डिसीजन यही आया, कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट ने इसमें बेसिकली डिसीजन देने के लिए एक कमेटी रिपोर्ट को रेफर किया। उस कमेटी रिपोर्ट ने इस बात का हवाला दिया था कि मेल मेंबर ऑफ सोसाइटीज जो हैं अपनी इनकम को रिड्यूस करने के लिए अपनी वाइफ और बच्चों के साथ पार्टनरशिप करते हैं और उस पार्टनरशिप की वजह से उनकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान होता है। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ऐसा लॉ लेके आइए कि वो क्लबिंग हो जाए उनकी इनकम की और उनको टैक्स देना पड़े। वेयरएज उस कमेटी रिपोर्ट में ऐसा फीमेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, प्रिडोमिनेंटली मेल्स के ऊपर बोला गया था। तो कोर्ट ने यहाँ पे ना मिस्चीफ रूल लगाया, ये भी अगेन मेजोरिटी से डिसीजन हुआ था, कोर्ट ने मिस्चीफ रूल लगाया। इसमें कोर्ट ने बोला लॉ आने का मेन रीजन ये था कि मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी ज्यादा गड़बड़ करते हैं, फीमेल के ऊपर कोई ऐसा कमेंट नहीं था या फीमेल की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं सोची थी कि वो भी ऐसा कोई टैक्स की हेरा फेरी की वजह से कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो ये कोई एक रेयर केस है कि जहाँ पे फीमेल ने अपने माइनर चिल्ड्रन के साथ पार्टनरशिप करी है, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये बोलते हुए कोर्ट ने जो एसएससी था उसकी बात को अपहेल्ड किया। लेकिन सेम केस में माइनॉरिटी डिसीजन आया और यहाँ पे जो मैं आपको पहले कह रहा था कि स्टेट्यूट मस्ट बी रेड एज ए होल्ड का उल्टा किया गया। यहाँ पे माइनॉरिटी जज ने बोला इंडिविजुअल मींस मेल एंड फीमेल बोथ। अगर इंडिविजुअल में मेल नहीं है तो उस टाइम पे ठीक है आप फीमेल को हटा दोगे, आप ये कंसिडर करो कि फीमेल की वाइफ नहीं हो सकती बट फीमेल के बच्चे तो हो सकते हैं, तो फीमेल भी उसी टैक्स के दायरे में आएगी और साथ में बच्चों के साथ पार्टनरशिप है तो क्लबिंग होगी होगी। तो उन्होंने बोला जब एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है और इंडिविजुअल को एक्ट में अलग अलग जगह पे मेल एंड फीमेल बोथ बोला गया है तो आप सिर्फ एक प्रोविजन के लिए सिर्फ मेल नहीं बोल सकते इसको। तो यहाँ पे उन्होंने बोला आप इस रूल के अगेंस्ट जा रहे हो कि जहाँ पे स्टेट्यूट मस्ट बी रेड एज ए होल। बट अगेन सिंस दिस वॉज अ सब्जेक्टिव, दिस इज हाईली सब्जेक्टिव मैटर एंड ही वॉज इन माइनॉरिटी, तो ये डिसीजन एसएससी की फेवर में गया। हो सकता है आप में से बहुत लोग डिसएग्री करें, मैं भी जब पहली बार पढ़ा था मैंने भी डिसएग्री किया था, बट अगेन दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉ एंड इंटरप्रिटेशन कि आप अगर अपनी कोई बात बहुत ज्यादा लॉजिक्स के साथ या बहुत ज्यादा फोर्सफुली रख सकते हैं इन वर्ड्स तो आप कुछ भी मना सकते हैं। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे मिस्चीफ रूल का। एक फॉरेस्ट गार्ड में, फॉरेस्ट में क्या हुआ, एक सेल सीड्स गिरते थे पेड़ों से और वो एक किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि वो आप सेल सीड को इकट्ठा करके आपको ये पैसे मिलेंगे और आप वापस ये बेच सकते हैं इसको आगे या मार्केट में बेच सकते हैं आप इसको कलेक्ट करके। लेकिन क्या हुआ कि उस एरिया में एक और इशूज होते कुछ और इशूज होते थे कि कुछ लोगों के पास प्राइवेट लैंड था, उस प्राइवेट लैंड में भी कुछ कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था और सेम फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था गवर्नमेंट लैंड पे।
अब लोग क्या चलाकी करते थे उसके अंदर कि गवर्नमेंट लैंड से फॉरेस्ट प्रोड्यूस को उठा के ले आते थे और उसको मार्केट में बेचते थे, ये बोल के कि ये तो हमारे प्राइवेट लैंड का फॉरेस्ट प्रोड्यूस है तो हम इसको बेच रहे हैं। बेसिकली वो चोरी कर रहे थे गवर्नमेंट लैंड से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, कुछ भी गिर रहा है, कुछ फूल पत्ते सूखी लकड़ी कुछ भी एग्री ऐसा प्रोड्यूस है जो फॉरेस्ट से आ रहा है, वो सब आपको कंपल्सरी गवर्नमेंट को बेचना है। अब उससे क्या हुआ, जब गवर्नमेंट को बेचना है तो गवर्नमेंट कैन कीप ट्रैक हो कि हाँ भी ए वाई एक्स वाई जेड ने कितना बेचा, उसका कितना लैंड है, तो वो कैन कीप ए ट्रैक और वो फिर चोरी नहीं हो सकता या उसको कंट्रोल लगेगा। अब उस केस में क्या हुआ कि इनको जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था यहाँ पे सेल सीट का, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया ये बोल के कि ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस है तो गवर्नमेंट को बेचना, अब इसको इकट्ठा करके बाहर नहीं बेच सकते, जबकि उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। और सबसे बड़ी बात, जो लॉ बनाया था उसके ऑब्जेक्ट में उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव लिखे थे उसमें सेल सीट का कोई मेंशन नहीं था। एंड लास्टली सेल सीट जो ऐसी आइटम थी जो प्राइवेट लैंड में उगती नहीं थी, वो सिर्फ गवर्नमेंट लैंड पे उगती थी, गवर्नमेंट फॉरेस्ट में उगती थी। तो उस केस में क्या हुआ, जजेस ने या कोर्ट ने ये डिसीजन दिया मिस्चीफ रूल लगाते हुए कि ये जो लॉ आया है, लॉ ने सिर्फ इस मिस्चीफ को रेमेडी करना था कि जो लोग गवर्नमेंट प्रोड्यूस या फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑन गवर्नमेंट लैंड को प्राइवेट लैंड का प्रोड्यूस बोल के मार्केट में बेच देते हैं, उनको चेक करना था, जबकि सेल सीड जो है वो प्राइवेट लैंड पे उगती नहीं है, वहां पे कोई ऐसे फॉरेस्ट नहीं है जहां पे सेल सीड आती हो। तो ये गवर्नमेंट की कभी भी इंटेंशन नहीं थी कि इस पे किसी तरह का अंकुश लगाया जाए। तो मिस्चीफ रूल लगाते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से बहाल कर दिया गया। अब हम थोड़ा और आगे चलते हुए परपोसिव कंस्ट्रक्शन के ऊपर आते हैं। अब परपोसिव कंस्ट्रक्शन, जैसा कि नाम से ही लगता है कि आपको पर्पस देखना है लॉ का, सिर्फ वर्ड्स नहीं देखने, आपको पर्पस से भी चलना है। पर्पस से मेरा मतलब यह है कि स्पिरिट ऑफ द लॉ, आपको स्पिरिट ऑफ द लॉ को अपहेल्ड करके हमेशा आगे लेके चलना है। अब इसमें क्या है कि कोर्ट इन द गाइज ऑफ इंटरप्रिटेशन हैव टू डू द जॉब टू प्रमोट द इंटेंडेड पर्पस एंड स्पिरिट ऑफ द एक्ट टू इंश्योर दैट द इंटेंट ऑफ द मेकर मस्ट बी कैरिड ऑन विच एडवांसेस द ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड कीप द रेमेडी अलाइव। When an expression is capable of more than one meaning, the court would attempt to resolve the ambiguity in a manner consistent with the purpose of the provision. अब यहाँ पे ना हमें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि मल्टीपल मीनिंग होंगे तभी परपोसिव कंस्ट्रक्शन में जाना है। ऐसा नहीं कि मीनिंग तो एक ही आ रहा है पर हम सोचे नहीं जी पर्पस पर्पस तो कुछ हो रहा है इसका, ये सोच के बनाया था या मिनिस्टर ने या सो एंड सो लोगों ने या प्रेस रिलीज आई थी, तो हमें उससे नहीं जाना। अगर सिर्फ एक ही पर्पस है, एक ही मीनिंग निकल रहा है, तो हमें परपोसिव कंस्ट्रक्शन को अप्लाई नहीं करना। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं परपोसिव कंस्ट्रक्शन में। इसमें क्या हुआ, एक लॉ आया एमपी धर्म स्वतंत्रता अधिनियम एंड उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। इस केस में क्या बोला गया कि आप कोई भी फोर्सफुल कन्वर्जन हो रही है अगर किसी की फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, तो उसके ऊपर रोक लगा दी गई। वो रोक लगाई गई इस बात को मैं ध्यान में रखते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का इम्पैक्ट आ रहा है। बट अगेन एक आर्टिकल और है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है 25 सब आर्टिकल 1 विच सेज दैट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन। अब जो लोग ये फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहे थे उन्होंने बोला आप अगर कन्वर्जन के ऊपर आप ऐसा लॉ लेके आए हो तो इसका मतलब आप आर्टिकल 25 को वायलेट कर रहे हो। अगर हम किसी को अपना रिलीजन समझा रहे हैं और उनको हमारा रिलीजन अच्छा लगता है तो आप उनको मना कैसे कर सकते हो कि वो ज्वाइन ना करें या हम उनको फैसिलिटेट ना करें। तो कोर्ट ने यहाँ पे बड़ा क्लियरली बोला कि ठीक है आपका आर्टिकल 25(1) इज देयर, आपकी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट है, आप रिलीजन को बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो और लोगों के साथ, लेकिन सोसाइटी में ऐसा भी हो सकता है कि जब रिलीजियस कन्वर्जन होती है सोसाइटी में एक डिस्ट्रस्ट की भावना आ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। ऐसी सिचुएशन भी आती हैं जो लॉ मेकर ने सोचा कि पैसे दे के कन्वर्जन्स कराई जा रही हैं, तो उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है जो इन इश्यूज को टैकल कर रहा है, वो आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस से या फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियस थॉट से नहीं रोक रहा, वो उसकी वजह से अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ रही है उसको रोक रहा है, उसको टैकल कर रहा है, तो वो अल्ट्रा वायरस नहीं है, दैट लॉ इज वेरी मच वैलिड और आप उसको आर्टिकल 25 की वायलेशन में नहीं मान सकते। तो पर्पस इज डिफरेंट, आपका आर्टिकल 25 का पर्पस इज डिफरेंट एंड पर्पस ऑफ दीज लॉ इज डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई दोज लॉज वर अपाइल्ड। ओके,
अब एक आर्टिकल हो रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम सब जानते हैं अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो उसको 6 महीने के लिए किसी भी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बनाया जा सकता है, किसी भी गवर्नमेंट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी पार्टी को बिलोंग करते हो नहीं करते, आप कुछ भी हो आप मिनिस्टर बन सकते हो 6 महीने के लिए। अब इस केस में क्या हुआ कि एक भाई साहब को मिनिस्टर बनाया गया 6 महीने के लिए, उनकी 6 महीने की टर्म हो गई एक्सपायर, नेचुरली ही हैड टू रिजाइन। अब लेकिन उसी असेंबली टर्म में जो चीफ मिनिस्टर थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ा किसी वजह से, लेकिन गवर्नमेंट वही रही, गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई, तो उसी पार्टी के कोई और बंदे सीएम बन गए। अब जब वो नए सीएम आए तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप दोबारा बन जाओ मिनिस्टर, अब तो मैं आ गया हूँ, पहले तो 6 महीने उन्होंने एक्सरसाइज की थी, अभी मेरा राइट है। तो यहाँ पे परपोसिव कंस्ट्रक्शन कोर्ट ने लगाई, जब ये मैटर कोर्ट के पास गया कोर्ट ने बोला आपको ये 6 महीने की जो लिमिट है ये पूरी असेंबली टर्म की है और ये सिर्फ इस पर्पज के लिए बनाई गई है कि किसी इमरजेंट सिचुएशन में, एक्सीजेंसी सिचुएशन में अगर ऐसी कोई चीज़ आती है कि आपको मे बी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मोदी गवर्नमेंट में जयशंकर प्रसाद जी को फ्रॉम ब्यूरोक्रेट उन्होंने मिनिस्टर बनाया, वो आई थिंक बाद में वो शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो आप अगर किसी इमरजेंट सिचुएशन में किसी ऐसे काबिल बंदे को अपनी गवर्नमेंट में जोड़ना चाहते हो तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप उसको या तो राज्यसभा में लेके आओ या स्टेट के अपर हाउस में लेके आओ या इलेक्शन जिताओ, कैसे भी करके आप उनको थिक एंड थिन ऑफ इन कंपैरिजन टू अदर मेंबर्स लेके आओ। आप ये नहीं कह सकते कि 6 महीने का टर्म एक्सपायर हो गया देन सीएम भी चेंज हो गया, तो ये सीएम का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये प्रेरोगेटिव उस गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट एज लॉन्ग एज आपकी गवर्नमेंट वही है आप इनको दोबारा लेके नहीं आ सकते 6 महीने के लिए। तो पर्पस को डिफाइन किया गया और पर्पस को अपहेल्ड करते हुए उनकी जो नेक्स्ट टेन्योर की 6 महीने की एक्सटेंशन या दोबारा से रीअपॉइंटमेंट दी गई थी उसको बिल्कुल खारिज किया गया उसको। आई एम जस्ट स्किपिंग वन और टू एग्जाम्पल बिकॉज थोड़ी स्लाइड्स ज़्यादा हैं सर और थोड़ा मुझे लग रहा टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया अभी तक के लिए। अब एक टर्म होती है सर एडजुटेंट जनरल, ये हम सब लोगों ने टर्म बहुत बारी यूज़ करी है, पढ़ी भी है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एडजुटेंट जनरल मीन्स ऑफ द सेम काइंड और सेम नेचर, द रूल सिग्निफाइज देयर वर्ड हैविंग जनरल और वाइड इम्पोर्ट और मीनिंग आर एसोसिएटेड इन द टेक्स्ट विद मोर लिमिटेड और स्पेसिफिक वर्ड्स, दे आर बाई इम्प्लीकेशन गिवन ए रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं आपको बोलूँ काओ गोट शीप एंड अदर एनिमल, अब टाइगर भी एनिमल है, एलिफेंट भी एनिमल है, ठीक है, कैट को भी आप एनिमल बोलेंगे, डॉग को भी एनिमल बोलेंगे, तो क्या अदर एनिमल में हॉर्स कैट डॉग आ सकते हैं या पोल्ट्री या वाइल्ड एनिमल आ सकते हैं? तो इसका आंसर है कि नहीं आ सकते। ये जो काउ गोट एंड शीप हैं ये एक क्लास ऑफ एनिमल डिस्क्राइब कर रहा है जो जो कि हॉर्स इस क्लास में नहीं आएगा। काउ गोट्स एंड शीप में भी हमें एनिमल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, इस वजह से उनकी हम एक ब्रॉड क्लास बना सकते हैं। हॉर्स एनिमल होने के बावजूद भी, वाइल्ड एनिमल एनिमल होने के बावजूद भी इस क्लास में फॉल नहीं करेंगे। तो जो अदर एनिमल फ्रेज है ना उसको हमें रिस्ट्रिक्टेड सेंस में इंटरप्रेट करना है, और रिस्ट्रिक्टेड सेंस को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है वो हमें पहले के जो वर्ड है वहां से हमें एक क्लास बनानी है और उस क्लास में जो फिट हो सकते हैं वो वाले वर्ड लेने हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा प्रिंसिपली डिस्कस करें, इट अप्लाइज ओनली व्हेन स्टैट्यूट एन्यूमरेट्स स्पेसिफिक वर्ड्स। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वर्ड बोला काओ एंड अदर एनिमल तो आप काओ की क्लास बना दो, वो नहीं हो सकता। 2-3-4 वर्ड होंगे जिससे क्लास बनती होगी। सब्जेक्ट ऑफ एन्यूमरेशन मे कंसिस्ट ऑफ क्लास एंड कैटेगरी, क्लास और कैटेगरी इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय एन्यूमरेशन। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसी क्लास बना दो कि उसमें 6 वर्ड आते हैं तो आपने 6 बोल दिया है ना, अदर्स बोल दिया तो फिर अदर्स में बचा ही नहीं कुछ, तो आप अदर्स में किसी और को नहीं लेके आ सकते, क्लास एग्जॉस्ट होगी तो दैट इज ओवर। देन जनरल टर्म फॉलोड बाय स्पेसिफिक एन्यूमरेशन, अगेन जैसे इस केस में जनरल टर्म है, एंड देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन। लेजिस्लेचर की इंटेंशन भी क्लियर होनी चाहिए कि वो कुछ और डिफरेंट मीनिंग नहीं निकालना चाह रहे, देन ओनली वी विल अप्लाई एडजुटेंट जनरल रूल इन दिस केस। सर आई थिंक कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं मिस्टर कृष्ण गुप्ता जी, अगर अभी लेना चाहें या बाद में लेना चाहें जैसा। एक बार सर आप एंड कर लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर खोल देंगे सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है।
अब एडजस्टम रूल का सर हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस केस में क्या हुआ, एक स्टेट म्यूनसिपालिटी ने लाइसेंस फी लगा दी ऑन द प्लेस ऑफ रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट। अब इस केस में कॉन्ट्रास्टिंग डिसीजन आए, एक लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बोला यस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, बट अगेन बीइंग सब्जेक्टिव आप शायद वो चीज अप्रिशिएट कर पाए कि उनके क्या क्या लॉजिक्स थे। तो यहाँ पे उन्होंने प्लेस ऑफ रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट के लिए बोला कि थिएटर, सर्कस, सिनेमा हाउस, डांसिंग हॉल हैव बीन स्पेसिफिकली मेंशन, फॉलोड बाय द एक्सप्रेशन अदर सिमिलर प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट रिक्रिएशन और अम्यूजमेंट। अब यहाँ पे क्या इशू हुआ, एक होटल था, उनके तीन रेस्टोरेंट थे। अब नेचुरली रेस्टोरेंट तो थिएटर, सर्कस, सिनेमा हाउस और डांसिंग हॉल में आएगा नहीं, लेकिन हुआ क्या कि उन तीनों के तीनों रेस्टोरेंट में एक डांसिंग फ्लोर थी। तो वहां पे उन्होंने बोला कि आपके पास डांसिंग फ्लोर है तो आप डांसिंग हॉल में आ रहे हो, और जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं वो उनका पर्पस बेसिकली रिक्रिएशन करना है कि कुछ मे बी वो डिनर करेंगे, थोड़ा टाइम डांस फ्लोर पे स्पेंड करेंगे, कुछ लोगों से सोशलाइज करेंगे, तो आपकी ये क्लास बन रही है जहाँ पे आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है रिक्रिएशन में फॉल करती है। लेकिन लोअर कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जो कोर्ट है थिएटर, सर्कस, सिनेमा हाउस, इसमें रेस्टोरेंट नहीं आ सकते क्योंकि प्रेडोमिनेंट पर्पस है खाना खाने जा रहे हैं, डांस करे ना करे वो एक सेपरेट बात है। तो डिवीजन बेंच केम टू कंक्लूजन दैट जनरल वर्ड्स आर इंटेंडेड टू हैव अ रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग इन द सेंस ऑफ अदर सिमिलर प्लेसेस मस्ट फॉल विद इन दैट क्लास एनुमरेटेड बाय स्पेसिफिक वर्ड। तो उन्होंने तो इसको बाहर निकाल दिया यहाँ से, बट अगेन सिंस इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, द रेस्टोरेंट रन बाय द कंपनी वर प्लेस ऑफ सिमिलर टू डांसिंग हॉल and hence they were place of public amusement covered by so and so provision. So basically dancing hall ko supreme court ne zyada tarjeeh di but lower court ne restaurant ko zyada tarjeeh di. To matlab again it's a matter of interpretation or personally how you want to read the law. ab hum sir aate hain ek rule ke upar, nocity or sources. isme nocity or ka matlab hota hai no एंड सोर्सेज का मतलब होता है सोसाइटी। तो बेसिकली इसमें हम क्या बोलते हैं कि यू आर नोन बाय द सोसाइटी यू कीप। एजुकेशन जनरली में जो क्लास बन रही थी, यहाँ पे क्लास नहीं बनती, यहाँ पे एक सोसाइटी और आपके आसपास के जो वर्ड्स हैं उन वर्ड से, वो एक या दो वर्ड्स हो सकते हैं, उन वर्ड से हम दूसरे वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। इट सिंपली मीन्स दैट अ वर्ड ऑफ ए इट मीन्स दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड शुड बी नोन फ्रॉम इट्स अकंपनिंग और एसोसिएटेड वर्ड्स। The rule is based maximum a man is known by the company he keeps. The rule says that the words used in an act of parliament derive their meaning with reference to words found in immediate connection with them. When two or more words which are susceptible to analogous meanings are clubbed together, they are understood to be used in their cognate sense. The meaning of doubtful word may be ascertained with reference to the word associated with it. तो इस पे हम एक एक एग्जांपल करते हैं थोड़ा सा डिस्कस। इसमें क्या हुआ, एक केस था फोस्टर वर्सेस डिफवे का। इस केस में वर्ड यूज किए गए कि आप जब भी माइनिंग में कुछ एक्सप्लोजिव लेके जा रहे हैं तो वहां आप उसको केस या कनिस्टर में लेके जाएंगे। अब उस केस में क्या हुआ, जो भी पर्सन था वो केस या कनिस्टर में लेके जाने के बजाय वो एक क्लोथ बैग में ले गया, इवन दो दैट क्लोथ बैग माइट हैव बीन ऑफ गुड क्वालिटी, बट वो क्लोथ बैग में ले गया और उसकी वजह से उसको कुछ फाइन किया गया। ये बोलते हुए कि आपने केस और कनिस्टर में नहीं लेके गए, बट ही सेड कि क्लोथ बैग, केस एंड कनिस्टर मतलब एक ही क्लास है, ये तो बेसिकली हम इसको कैरी करने के लिए लेके जा रहे हैं और इसमें भी हम कैरी कर सकते हैं। बट कोर्ट ने यहाँ पे नॉसिटी और सोर्सेस एग्जाम्पल या रूल लगाया है। यहाँ पे कोर्ट ने बोला केस और कनिस्टर जो वर्ड है वो बेसिकली डिनोट करता है कोई एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसका जिसमें कुछ स्ट्रेंथ होती है इन कंपेरिजन टू पेपर बैग और दैट क्लोथ बैग। तो केस और कनिस्टर में आप नहीं लेके गए, आप क्लोथ बैग में लेके गए हो, तो नॉसिटी और सोर्सेस रूल के हिसाब से आपका जो कैरियर बैग था वो इसकी डेफिनेशन में फॉल नहीं करता और आप पे जो फाइन या जो भी पनिशमेंट आपको मिली है वो बिल्कुल ठीक मिली है। तो अगेन हम उस वर्ड की मीनिंग हम निकाल रहे हैं अकंपनिंग वर्ड से। यहाँ पे हम देखेंगे कोई क्लास नहीं बन रही, कोई तीन चार पांच वर्ड नहीं है, सिर्फ एक या दो वर्ड ही है सिर्फ। तो अगर हम इन दोनों में हम थोड़ी सी कंपैरिजन करके देखें, नॉसिटियस रूल में एंड एजस्टम जनरलिस रूल में, तो मैक्सिमम ऑफ एजस्टम जनरलिस इज अप्लाइड व्हेन जनरल टर्म इज फॉलोड बाय स्पेसिफिक और नैरो
word preceding it. Nociter rule applies when two or more words which are susceptible to analogous meaning are compiled together. They are understood to be in cognate, connected or related sets. While applying Nociter rule, the meaning of more general word takes color from associated word or word preceding or following. Whereas as per adjustum generis rule, the preceding word must form a genus or class and they must be specific. Nociter resources rule is wider and adjustum generis can be considered to be a subset of Nociter rule. Now, अब एक rule आता है सर end में utterus magis rule. So ये rule बोलता है basically ये Latin में इसकी pronouncement है and you will all have to pardon my Latin for this. Utterus magis veliat quam pireat. It means sensible meaning of the word has to be given effect. बिकॉज पार्लियामेंट ने अगर कोई भी वर्ड बनाया है या कोई भी वर्ड स्टैट्यूट में रखा है तो उसको इस वजह से नहीं रखा कि वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, उसका कुछ ना कुछ मतलब है और हमें ऐसी इंटरप्रिटेशन निकालनी है कि उस वर्ड का वो मतलब हम दे सकें उसको. सो कोर्ट वाइल इंटरप्रेटिंग ए लॉ मस्ट गिव अ रीजनेबल एंड सेंसिबल मीनिंग टू द वर्डिंग ऑफ द स्टैट्यूट सो एज टू कैरी आउट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. व्हेनेवर ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन आर पॉसिबल द कोर्ट मस्ट गिव इफेक्ट टू दैट construction which will be responsible for smooth working of the system. So vagueness hame avoid karni hai aur hame ye leke chalna hai ki it's better to prevail than to perish. Jo likha hua hum aisi interpretation na nikale ki us interpretation mein us word ki koi ahmiyat na ho. Hame wo interpretation nikalni hai ki us word ki hame ahmiyat us interpretation mein leke chale. Ab isme main wo ek procedure wala maine aapse baat kiya tha ki ek example ya लॉ में जो चीजें लिखी हुई है कंडीशन प्रेसिडेंट वो सब फुलफिल होनी चाहिए, वो भी इसमें कवर होता है. अब इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जैसा आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए गुड्स एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बट स्टेट बोर्ड ने क्या बोला इलेक्ट्रिसिटी की अगर चोरी होगी तो सेक्शन 379 फॉर दैट मैटर ऑफ आईपीसी वो भी इसको रिकोगनाइज नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को एज ए गुड्स और इलेक्ट्रिसिटी के थेफ्ट को 379 में कवर नहीं किया जाता. बट पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने क्या बोला, एक सेक्शन बनाया, उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हुई तो सेक्शन 379 की चोरी मानी जाएगी. एक बात तो ये होगी, डीमिंग प्रोविजन आ गया. एक सेक्शन और बनाया, उन्होंने बोला सेक्शन 50, वो बोलता है कि नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी ऑफेंस अगेंस्ट द एक्ट एक्सेप्ट एट द इंस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट और इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर और पर्सन एग्रीड बाय द सेम. अब इस केस में एक भाई साहब ने बिजली की चोरी करी, उनके ऊपर केस भी चला, उन्होंने ये डिफेंड नहीं करा कि मैंने चोरी नहीं करी, ठीक है, उस पर तो साइलेंटली उन्होंने मान लिया, पर उन्होंने बोला आप मुझे ये बताओ कि मेरी कंप्लेंट किसने करी, ना तो गवर्नमेंट ने करी, ना इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ने करी और ना ही किसी पर्सन ने ग्रीव ने करी, तो मेरे पे ये इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का केस कैसे बन सकता है. तो यहाँ पे कोर्ट ने यही बोला कि हम सेक्शन 50 को इग्नोर नहीं कर सकते, चोरी हुई सब मान रहे हैं, सबको पता है, इट्स अ फैक्ट, लेकिन हम ये बोलें कि हाँ भाई सेक्शन 39 आया हुआ है उसमें बोला हुआ है इट्स इक्विवेलेंट टू सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी और ये चोरी है इलेक्ट्रिसिटी की, बट सेक्शन 50 को हम इफेक्ट ना दें तो ये नहीं हो सकता. तो लॉ में जो लिखा हुआ है उसको हमें पूरी रिस्पेक्ट देनी है, तो वो रिस्पेक्ट देते हुए कोर्ट ने एक ऐसे पर्सन को भी लेट गो कर दिया जिन्होंने प्रॉब्ली लॉ को तोड़ा था और इलेक्ट्रिसिटी की चोरी भी की थी. अब सर थोड़े से सर 5-10 मिनट और लेके मैं एक एड्स टू कंस्ट्रक्शन भी मैं करना चाहता हूँ, जस्ट हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम कहाँ कहाँ से मटेरियल ले सकते हैं. राइट सर, राइट. तो सर एड्स टू कंस्ट्रक्शन होती है, दो तरह की एड्स हैं हमारे पास, एक तो इंटरनल एड टू स्टैट्यूट होती है, एक होती है एक्सटर्नल एड टू स्टैट्यूट. एक्सटर्नल एड टू स्टैट्यूट भी स्टैट्यूट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है, वो अभी हम देखेंगे कैसे होती है रिलेटेड, बट इंटरनल एड्स वो होती हैं जो स्टैट्यूट में इटसेल्फ लिखी होती हैं. अब वो इंटरनल एड्स क्या होती हैं, बेसिकली लॉन्ग टाइटल जिसमें एक्ट का ऑब्जेक्टिव एंड डिटेल को कुछ हद तक डिस्क्राइब किया गया होता है. शॉर्ट टाइटल होता है, शॉर्ट टाइटल बेसिकली एक निकनेम ही होता है, उससे हम बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते, बट लॉन्ग टाइटल से येस टू सर्टन एक्सटेंट हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. ओके, इसके एग्जाम्पल के तौर पर ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. एक बार ये एक लॉ बना, उसमें वर्किंग आवर जो थे शॉप असिस्टेंट्स के वो कर्टेल कर दिए गए कि आप 8 घंटे या 9 घंटे जो भी हैं ड्यूटी कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी और आपको ये बंद करना पड़ेगी शॉप अपनी, मे बी एनी वीक डेज ऑफ योर चॉइस.
अब इस केस में एक सज्जन के ऊपर केस चला, उनको बोला गया कि उन्होंने अपनी दुकान सातों दिन खोली और ज्यादा वर्क आवर भी खोला, बट ही सेड कि मैं तो असिस्टेंट हूँ नहीं, मैं तो मालिक हूँ शॉप का, तो मेरे पे आप फाइन ही लगा सकते। अगेन ये मैटर कोर्ट गया तो वहां पे ऑब्जेक्ट को लिया गया लॉन्ग टाइटल में से। दे सेड ऑब्जेक्ट ये बोलता है इसका एक्ट का, एन एक्ट टू लिमिट द आवर्स ऑफ वर्क ऑफ ए शॉप असिस्टेंट एंड कमर्शियल एम्प्लॉइज एंड टू मेक रिलीज regulation concerning their holiday wages and term of service. तो कोर्ट ने बोला ये जो regulation बनाई गई है ये बेसिकली हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए of common citizen of that state बनाई गई है। अगर आप अपने आप को ओवरवर्क एग्जर्ट करोगे अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फॉल इल, एंड वो कहीं ना कहीं एज ए स्टेट हमें लॉस है कि अगर किसी एम्प्लॉयज को या किसी भी सिटीजन को कोई लॉस होता है हेल्थ का तो स्टेट को लॉस है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। एंड सेकेंडली सपोज एक दुकान में एक मालिक और चार नौकर हैं और किसी दुकान में चार मालिक और एक भी नौकर नहीं है, तो वो दुकान जिसमें चार मालिक और एक भी नौकर नहीं है वो तो बिजनेस करते जाएंगे दूसरे, और जिसमें एक मालिक और चार नौकर है उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ। तो इक्वालिटी भी नहीं रही इस लॉ में, अगर हम आपकी बात मानते हैं कि बींग ए ओनर आपको अलाउड है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला नहीं आपको भी बंद करनी पड़ेगी शॉप। देन कुछ और इंटरनल एड्स एंड प्रीएम्बल्स, प्रीएम्बल में एक सबसे इम्पोर्टेंट केस है केशव नंदन भारती का केस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो केस है, उसमें ये बोला गया था कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाइल इंटरप्रेटिंग एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप प्रीएम्बल का सहारा ले सकते हैं। तो प्रीएम्बल क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है आपको कॉज ऑफ मेकिंग द स्टेट्यूट, हम इस स्टेट्यूट से क्या क्या एविल को एड्रेस करना चाह रहे हैं या क्या बेनिफिट अचीव करना चाह रहे हैं, और कोई भी ऐसा डाउट हो जो सेटल करना चाह रहे हो वो भी प्रीएम्बल में हम डिस्क्राइब करते हैं कई बारी। देन हेडिंग्स होती हैं, अब हेडिंग्स भी दो तरह की होती हैं, एक सेक्शन हेडिंग होती है, एक चैप्टर हेडिंग होती है। हेडिंग एक हमें रफ आइडिया देती है कि ये आने वाले कुछ सेक्शन या आने वाला जो चैप्टर है ये किस बारे में बात करेगा, तो हम एक रफ एक टेंटेटिव आइडिया तो ले सकते हैं, बट हेडिंग को हम अगर एक्सप्रेस प्रोविजन और हेडिंग में कॉन्फ्लिक्ट है तो हम हेडिंग के ऊपर नहीं जाएंगे, हम एक्सप्रेस प्रोविजन के साथ चलेंगे। फिर देन मार्जिनल नोट्स होते हैं, आप सब लोगों ने बिल्स देखे होंगे या एक्ट्स देखे होंगे जो बजट स्पीच से या पास होके आते हैं तो साइड में लेफ्ट हैंड और राइट साइड में बड़े सारे मार्जिन होते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा होता है, अगर हम पढ़ें तो ऐसा लगता है कि उस सेक्शन की या उस चैप्टर की एक बड़ी समरी सी दे रखी है और यूजफुल भी होते हैं उसको पढ़ने के लिए या कुछ ढूंढने के लिए। बट ये जो मार्जिनल नोट्स होते हैं ना ये बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स ने बनाए होते हैं या ऑफिसर्स ने बनाए होते हैं जस्ट टू समराइज इट एंड जो भी लॉ कोई पढ़ना चाह रहा है उनको देखने के लिए, बट ये कभी भी मेन सेक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकते, आपको एक थोड़ा सा गाइडिंग लाइन जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं बट कभी आप इनको कोट करके इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि मार्जिनल नोट तो ये कह रहा पर सेक्शन ये कह रहा तो देर इज सम हैंकी पैंकी इन बिटवीन, तो वो आप नहीं कह सकते इसके अंदर। देन अगेन प्रोविजो होते हैं, प्रोविजो क्या होता है बेसिकली हम सबको पता है कि ये मेन सेक्शन की एक्सेप्शन कार्व आउट करता है, तो ये एक तरफ तो मेन सेक्शन हो गया और एक तरफ प्रोविजो हो गया, तो ये बैलेंसिंग एक्ट बनता है। कई बार प्रोविजो हमें हेल्प कैसे करता है, प्रोविजो तो क्लियर है समझ आ रहा है हमको, मेन सेक्शन समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या कहते हैं कि प्रोविजो पढ़ लिया कि ये चीज पे एप्लीकेबल नहीं है या ये चीज पे एप्लीकेबल है तो इसको ऑपोजिट मेन कहना चाह रहा होगा, तो दैट वे हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके ना इंटरप्रिटेशन में हेल्प कर सकते हैं। अब प्रोविजो बेसिकली होता यही है कि आप एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है, सबॉर्डिनेट होता है मेन प्रोविजन के, अगेन अपने आप में उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, मेन प्रोविजन के साथ प्रोविजो की आइडेंटिटी होती है। इट कैन एक्ट एज ए गाइड टू कंस्ट्रक्शन, प्रोविजो इज नॉट टू बी कंस्ट्रूड एज एक्सक्लूडिंग और एडिंग समथिंग टू बाय इम्प्लीकेशन। ओके, तो ये सेक्शन में कुछ एडलेस नहीं करता, सब्सटैंटिव लॉ भी होता है प्रोविजो में और कई बार नहीं भी होता, प्रोसीजरल चीजें भी लिखी होती कई बार, और प्रोविजो शुड ऑलवेज रिसीव अ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। तो प्रोविजो में हमें बहुत ज्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन और वो सब चीजें नहीं लगानी, जितनी बात प्रोविजो कहना चाह रहा है बस समय उतने पे ही रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। देन एक्सप्लेनेशंस होती हैं, एक्सप्लेनेशन की एज सच कोई वैल्यू नहीं होती अदर देन दे जस्ट एक्सप्लेन जो लिखा हुआ है, कई बार लॉ बनाते हुए या लिखते हुए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, एडिशनल वर्ड्स डालने पड़ते हैं, हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि कई केसेस में बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऐसी चीजें भी डाल दी जाती हैं लॉ में जो कि मेन लॉ को ही सुपरसीड कर जाती हैं,
बट स्टिल एक्सप्लेनेशन का रोल कभी भी मेन लॉ को सुपरसीड करना नहीं है क्योंकि वो सब्सटेंटिव लॉ नहीं होते हैं. बट यस डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट एंड सिचुएशन एट हैंड ये भी एज ए टूल यूज की जाती हैं. बट अगेन देयर वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव द एम्बिग्युटी. दे कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव. दे कैन नॉट रिड्यूस द सब्सटेंटिव लॉ. फर्दर explanation makes the main provision meaningful. They cannot make it less meaningful. They are only to enhance the main provision. Then again, illustrations are also there. जैसे Indian Contract Act में आपको काफी illustration मिलेंगे, IPC पे मिलेंगे, और कई laws ऐसे होंगे जिसमें हर section के बाद या set of sections के बाद कुछ illustration या example दिए हुए होते हैं. तो इनका role सिर्फ ये होता है कि section में जो लिखा हुआ है उसको किसी example के तौर पे समझाया जा सके. इनको कोट किया जा सकता है बट अगेन सब्सटेंटिव लॉ को ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. आप भी इनको समझाने के लिए, अपना पॉइंट अक्रॉस रखने के लिए, एक अच्छा आर्गुमेंट रखने के लिए इनको यूज कर सकते हैं बट कभी भी सब्सटेंटिव लॉ या एक्सप्रेस लैंग्वेज ऑफ सेक्शन को कभी भी ओवरराइड नहीं करते. देन शेड्यूल्स. अब शेड्यूल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ ओनली. बट शेड्यूल्स में कैसा लिमिटेशन क्या होती है कि शेड्यूल्स कई बार टेबल की फॉर्म में होते हैं, कई बार दे रन इन टू सो मेनी पेजेस एज एन एक्सर. तो क्या कोशिश की जाती है कि शेड्यूल्स को अपेंड कर दिया जा सके मेन लॉ के साथ, सो दैट एज एन एक्सर उसको पढ़ा जा सके और एक ईज हो पढ़ने के में उसकी. जैसे कंपनीज एक्ट में शेड्यूल थ्री है, अब आप सोचिए वो शेड्यूल थ्री अगर मेन सेक्शन पढ़ते पढ़ते ही आ जाए तो वो सेक्शन या वो सेट ऑफ सेक्शन पढ़ने की रिदम टूट जाती है उसमें. बट ये जो शेड्यूल्स होते हैं ये सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है. ये कोई इलस्ट्रेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो जिनको ओवरराइड ना किया जा सके, जो जिनको ओवरराइड नहीं, जो मेन सेक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकते. ये ओवर मेन सेक्शन के साथ ही पढ़ने हैं हमें. ओके, नाउ एक्सटर्नल एड्स में क्या चीजें आती हैं. एक्सटर्नल एड में एक चीज आती है पार्लियामेंट हिस्ट्री. जब भी कोई लॉ बनता है तो उसके पहले क्या क्या डिस्कशन हुए, क्या सोचा, कमिटी रिपोर्ट्स होती हैं, वो सब भी इसी का पार्ट है. बट ये जो पार्लियामेंट हिस्ट्री है ये कभी भी आप लॉ समझने के लिए यूज कर सकते हैं, अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगे. बट ये कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं है. इसका बेस्ट एग्जांपल है पार्लियामेंट की जो डिबेट्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले. आप अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहें कि ये प्रोविजन या ये आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो क्यों बनाया है, क्या इसके पीछे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, क्या लड़ाई हुई थी, क्या थॉट प्रोसेस था, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होगी. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल में तो ये लिखा है लेकिन डिबेट में तो ये बात हो रही थी तो आप उसको लेके चलो, तो वो हम उसको नहीं लिंक कर सकते. बिल्स, अगेन बिल्स एक्सटर्नल एड क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि बिल जो पार्लियामेंट में बन के आते हैं जरूरी नहीं है कि वही बिल एज इट इज एक्ट में पास हो जाए. बिल में अमेंडमेंट्स होती हैं, बैक एंड फोर्थ कमेटी इसमें यहाँ पे एक असेंबली एक हाउस से दूसरे हाउस में जाता है, फिर अमेंडमेंट आती हैं, क्रॉस अमेंडमेंट हो सकती हैं, कुछ हो सकता है, तो अल्टीमेट जो लॉ बन के आता है वो कुछ और ही होता है. बट यस, बिल में जो इनिशियल प्रोविजन आए थे वो क्या आए थे, उन पर क्या डिबेट हुई, क्या डिस्कशन हुए उनके ऊपर, वो सब चीजें अगर आप देखेंगे डिस्कस करेंगे तो आप एक अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं इसके अंदर. देन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन. जब भी कोई लॉ बनता है तो उसमें पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन रखा जाता है जो ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देता है इस लॉ के बैकग्राउंड के बारे में, एंटीसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या ऐसा है जो इसको हम छोड़ना चाह रहे हैं. हालांकि ये भी एडमिसिबल नहीं है बट आपको एक लॉ की अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये लॉ क्यों आया. कई बार हमें प्लेन इंग्लिश में लिखा तो होता है, हम समझ भी पा रहे होते हैं बट हम उसको ना रिलेट नहीं कर पाते कि ये क्यों लिखा है, ये लॉ मेकर क्या चाह रहा था. तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन देखें और उसको लिंक करें तो उस केस में हमें एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये लॉ क्यों आया और इसको हमें किस वे में और क्या इंटरप्रिटेशन इसकी अच्छी मानी जानी चाहिए. देन अगेन कमेटी रिपोर्ट आर देयर. कमेटी रिपोर्ट में क्या होता है कि जब भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है वो डिस्कशन करती है लॉ के ऊपर, कोई फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस लेके आते हैं, उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं. जैसे हमने शोधरा देवी के केस में देखा कि कमेटी रिपोर्ट का रेफरेंस लेते हुए कोर्ट ने मिस्चीफ रूल लगाया. तो इवन दो कमेटी रिपोर्ट पर से आर नॉट एडमिसिबल बट यस they are a very good guiding light towards it. Then textbook mein manusmritis kai bari refer ki jati hai court cases mein, arthshastra ki kitabein ye refer ki jati hain.
सबसे लेटेस्ट अगर मैं बोलूं राम जन्मभूमि केस में कितने सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स रेफर किए गए, तो हालांकि इन सब चीजों की कोई लीगल सैंक्टिटी या लीगल वैलिडिटी नहीं है, बट इन सब चीजों की परसुएसिव वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप बोलते हो कि ये वर्ड की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये बोल रही है या फला फला डिक्शनरी ये बोल रही है, तो उसकी कुछ वैल्यू है कोर्ट के सामने। बट हाँ, लेकिन अगर एक्सप्रेस लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इस वर्ड की मतलब ये है, तो आप डिक्शनरी कोट करके उसका मतलब चेंज नहीं करवा सकते, उसमें तो परसुएसिव वैल्यू भी नहीं मिलेगी। सो अगेन लास्टली, अगर एक रूल ऑफ एक्सक्लूजन है जो हमने डिस्कस भी कर लिया बाय द वे, इट बेसिकली सेज दैट द प्रोसीडिंग इन द लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग स्पीचेस डिलीवर्ड इन पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड प्रेस डिस्कशन एंड अदर एक्सटर्नल सोर्सेज कैन नॉट बी साइटेड इन कोर्ट एंड मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेलिब्रेशन हमने इसको डिस्कस भी किया। सो बिफोर आई कंक्लूडेड, एक बड़ा अच्छा एक पार्टिंग कोट है एक केस में से लिया है मैंने ये, अ जज मस्ट नॉट ऑल्टर द मटीरियल ऑफ विच इट इज वोवन बट ही कैन एंड ही शुड आयरन आउट द क्रीजेस। सो विद दिस आई कंक्लूड माई डेलिब्रेशन एंड आई रिक्वेस्ट राजेश जी, इफ समबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन और एनी क्लैरिफिकेशन, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई। Thank you, Hemant bhai, for giving a very nice and detailed deliberation on a very unique subject, that is the interpretation of statute. I request all the attendees, kindly, if there is any question in their mind, please raise your hand, or if any question want to ask from our panelists, Hemant Pabaji, Anand Duaji, or Rajesh Jainji, all are free to ask. There is no question, but observation है कि interpretation rules जो हैं इतने complicated हैं कि मैंने महसूस किया है कि judgments ऐसी होती हैं जो चाहे वो उसका interpretation कर लेते हैं। Yes sir, very right। तो और ये interpretation जो है basically जब हम lower level पे काम करते हैं, since we are into income tax cases, तो हम जब लोअर लेवल पे आईटीओ लेवल पे या कमिश्नर लेवल तक, तो ये इंटरप्रिटेशन कोई सुनता ही नहीं है हमारी। ये तो ऊपर ट्रिब्यूनल पे या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये काम करती हैं, इनिशियल लेवल पे कोई सुनने को तैयार नहीं है जी इनको। बट सर, ये इंटरप्रिटेशन ना, मैं ये समझता हूँ कि हमें जैसे कई बार कंसल्टेशन भी देनी होती है, क्लाइंट को एक ओपिनियन भी फॉर्म करना होता है, उसमें हमें काफी हेल्प कर सकती हैं। आपकी बात लोअर लेवल पे नहीं सुनता कोई, हम लॉ कैसे रीड कर रहे हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि हम ये क्यों सोचे कि हम हमेशा लोअर लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे, हम ट्रिब्यूनल तक जा सकते हैं, एंड अगर हम में से कोई एडवोकेट्स हैं तो नेचुरली आगे भी जा सकते हैं। बट कंसल्टेंसी और लॉ को हमें पढ़ना कैसे, अकेडमिक है हालांकि ये चीजें काफी हद तक, बट काफी हेल्प करती है हमें उसमें। नहीं, ऑफ कोर्स, जैसे देखो जी, हमारे जैसे लेवल पे एक हमें एक आइडिया तो दे देती हैं चीजें जो आपने बताया, इट विल हेल्प अस अ लॉट। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि जब स्टेक्स हाई होते हैं और अमाउंट्स बड़े होते हैं, देन यू हैव टू टेक ओपिनियन फ्रॉम सम सीनियर एडवोकेट, या ऐसा कुछ करना ही पड़ता है। बिल्कुल। जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो हम खुद ही सजेस्ट करते हैं भाई कहीं और चले जाओ। सर, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये सर बेसिकली एडवोकेट्स का इंटरप्रिटेशन जो हेल्प करते हैं कोर्ट को, उससे रिलेटेड है कि हाउ द लॉ इज बीइंग रेड। हां, पढ़ना कैसे है हमारे लिए, तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। हां, कि हम ऑल टुगेदर गलत ना जाए कहीं पर, ऑल टुगेदर गलत इंटरप्रेट ना कर लें। But of course, it is helpful for understanding purposes. Anyway, sir, thank you very much, and request Anand Duaji, our former convener of this study circle, request to please present a vote of thanks, sir. Anand Duaji. Sir, thank you for giving me this opportunity, and as I have said earlier, also this has been really helpful to understand the subject, and it was a new subject. हमने कभी इसको पढ़ा भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है। और राजेश जी, आपका भी धन्यवाद, आपने ऐसा सब्जेक्ट हमें पढ़ाया। और हेमंत गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ही
and I admire that he, despite being a CA, he has a, you see, good knowledge of interpretation and the way he has quoted cases, other cases also which are not related to tax matters. He has knowledge of all that. It is really admirable. Or we are really thankful to you for sparing your time and deliberating on this issue. Thank you very much. My pleasure to be here, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thanks to all. Thank you.